नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे मैं ललित यादव अपनी एम लक्ष्मीकांत की क्लास में आप सबका वेलकम करता हूं सबसे पहले माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मैं इतने दिन तक क्लासेस नहीं ले पाया अभी कोशिश करूंगा कि क्लासेज रेगुलर रहें आज मैं इस चैप्टर को कम्प्लीट करा दूंगा और कल हम जो है सेकेंड चैप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो जितने भी दोस्त हैं एकदम हाई जोश के साथ आइए लाइक शेयर करते हुए आ जाइए साउंड अगर आ रही है तो एक बार हाई जोस आंसर आना चाहिए हाई सर हाउ हाँस इज तो जल्दी से मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो दोस्त मुझे नहीं जानते मेरा नाम ललित यादव है डबल एमए किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से एम किया है गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहा हूं टॉपर रहा हूं नेट क्लियर है दोनों सब्जेक्ट से लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से बी एड सी क्वालिफाई है आप में से जो भी दोस्त अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं और आप भी इस तरीके से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना नाम देखना चाहते हैं तो अन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इंडिया के सारे टॉप टीचर्स टीचर पर हैं सबकी क्लासेज एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगी कोशिश करना कि आइकोनिक कोर्स लें आईकोनिक कोर्स में आपको ज्यादा बेनिफिट होता है वहां पर आपको टीचर से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलता है डाउट पूछने का मौका मिलता है नोट्स मिलते हैं आंसर राइटिंग अलग से सेपरेटली आपकी कराई जाती है और आपको एक वन ऑन वन गाइड के लिए मेंटर मिलता है मैं भी आपको गाइड करूंगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते टाइम ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं एल वाई एल आई वीड को अप्लाई कीजिएगा तो समझिएगा मेरी जिम्मेदारी है पूरा प्रॉपर एग्जाम पास होने तक आपको गाइड करते हुए चलेंगे EMI पर भी ले सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक है अगर आप चाहते हैं कि भाई पढ़ना चाहते हैं लेकिन एक साथ इतना पैसा नहीं तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा बहुत कम कम नाम मात्र की ई एम आई में आपका सब्सक्रिप्शन में करवा सकता हूं आप उसके लिए मेरे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना ये नए नए ऑफर आते रहते हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ आपको अलग अलग टाइम पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे कोड याद कोडियागा एलवाई लाइव ये लगाना है और अभी आ, कई सारे ऑफर्स जो हैं आए हुए हैं उन ऑफर्स को तक जाने से पहले शायद स्लाइड मैंने जल्दी में पुरानी वाली ओपन कर दी हाँ 25 से 31 तारीख तक YouTube पर कोई भी क्लास नहीं रहेगी किसी भी अन के चैनल पर केवल स्पेशल क्लास रहेंगी स्पेशल क्लास पे मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं पूरी पॉलिटी की टेस्ट सीरीज फ्री में करवा दूंगा एक हजार वहां पर लेने वाला हूं तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अभी 50 परसेंट का डिस्काउंट ऑफर जो है पर चल रहा है तो अभी 50 परसेंट का ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं एल वाई एल आई वी चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं पार्ट से ताज का सासन जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो चलिए जितने भी दोस्त हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए और एक बार जोश का आंसर जरूर देना चाहिए सबका आंसर आना चाहिए हाई सर क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे हाउ इज आंसर आना चाहिए हाई सर क्योंकि तो वो सकारात्मक ऊर्जा के संचार रहेगा तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में काम करने की इच्छा करेगी करेगा ठीक है तो आप भटकोगे नहीं चलिए जी तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम पहुंच गए थे अठारह के एक्ट तक अठारह का एक्ट हम देख चुके थे ठीक है उसके जो चीजें हुई वो हम समझ चुके उसके बाद आता है अठारह का एक्ट लेकिन अठारह के एक्ट के आने से पहले एक बहुत बड़ी घटना भारत में घटित होती है और वो बहुत बड़ी घटना क्या होती है वो होती है अठारह की क्रांति जी हाँ जिसको आप इतिहास में बहुत ही सौर्य गाथाओं के रूप में पढ़ते हैं भारत की पहली अगर हम इसको कहें कि पहला स्वाधीनता संग्राम तो ये अनुचित नहीं रहेगा अठारह की क्रांति भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था क्या था इस चीज को समझिए ऐसा एकदम से क्या हुआ अठारह से जाते जाते कि पांच साल के बाद भारतीयों ने सैनिक विद्रोह छेड़ दिया तो उसके कई सारे फैक्टर थे क्या क्या फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स के ऊपर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये था कि जो कंपनी के जो शासक थे तो कंपनी की तानाशाही एकदम बढ़ गई थी हर मामले में हर तरीके से भारत को जितना वो शोषित कर सकते थे जितना उत्पीड़न कर सकते थे उतना उत्पीड़न वो करते थे भारतीयों का बहुत सारा भेदभाव भारतीयों के साथ किया जाता था भारतीयों को नागरिक ना समझ करके उनको गुलामों की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता था इवन जो अंग्रेजी सेना के अंदर भारतीयों को शामिल करते थे वहां पर भी भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था तो इससे आक्रोश की भावना तो थी लेकिन एकजुट होने का साहस वो नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि सबको लगता था कि यार अंग्रेज बड़े ताकतवर हैं हथियार हैं कैसे करेंगे एक और बड़ा मुद्दा था जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो शासक और शासित है इनके बीच किसी तरीके का संबंध नहीं था शासक एवं शासित संबंध नहीं संबंध नहीं किस तरीके से भाई भारत की अपनी परंपराएं हैं रीति रिवाज है अपने तौर तरीके थे अंग्रेज लोग भारत बाहर से आए आकर के भारत पर कब्जा बैठ करके बैठ गए कुछ गिने चुने मुठ्ठी भर लोग पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं शासन चला रहे हैं लेकिन जो अधिसंख्यक जनसंख्या है जो नागरिक है यहाँ के भारतीय उनका शासन में कोई भागीदारी ही नहीं उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता किसी तरीके का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कानून बनाए जाते विधि निर्माण किए जाती कौन करता ब्रिटेन में करते वो कानून बना करके भारत में भेजते सोचो ब्रिटेन के अंदर वहां पर आलिशान महलों के अंदर बैठे लोग वो वहां पर बैठ करके भारत के लिए कानून बना रहे हैं वो भारतीयों के लिए कितने प्रासंगिक होंगे उन सभी कानूनों का परिणाम यही निकलता था कि भारतीयों का शोषण और होता चला जाता था भारतीय लोगों के जो विचार थे उनकी इच्छाएं थी उनको ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कोशिश की भी तो सही तरीके से उनको अवसर नहीं मिला स्थानीय जो उन्नीस में जब भारत में संसदीय प्रणाली का एक अंश प्रारंभ देखने को मिलता जो केंद्रीय भारतीय विधान परिषद थी उसमें भारतीयों का को कोई इतना कोई खास प्रतिनिधित्व तो नहीं था ठीक है पूरा का पूरा कंट्रोल जो है अंग्रेजों के पास था तो ऐसे समय में विद्रोह की भावना अंदर तो भड़क ही रही थी लेकिन अट्ठारह में आपको कहानी याद होगी मंगल पांडे वाली इंसिडेंट उसको मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो इतिहास का एरिया है तो उसको इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा यहां पर हम बस इतना समझ लेते हैं कि अठारह में एक सामूहिक रूप से भारतीयों के द्वारा प्रयास किया गया अंग्रेजों को भारत से भगाने का और ये क्रांति ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए कहते ना कि अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से बहुत पूरी ताकत लगी इस विद्रोह को दबाने के लिए वो तो कुछ हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतीयों की एकजुटता की कमी होने के कारण ये कुछ लोगों ने अपने ही साथियों के खिलाफ विद्रोह की भावना गद्दारी की भावना का परिचय देते हुए जब उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया तो उन कुछ कारणों से भारत का ये पहला स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया और इसको दबा दिया गया लेकिन इसके बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए अंग्रेजों को समझ में आया यार ये तो बड़ा गजब की चीज थी उन्होंने कभी सपने में भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाया था कि भारतीय लोग एक साथ एकजुट होकर के इस तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाएंगे वो तो अपना गुलाम मानते आए थे लेकिन इस एकजुटता ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए कान खड़े कर देने का मतलब अब ये मुहावरा है इसको ऐसे मत कर लेना कि कहीं ने कान पकड़ करके खड़ा करके दिखा रहे नहीं इसका मतलब यह है कि वो चौकन्ने हो गए अब उनको समझ में आने लगा कि भाई भारत के ऊपर शासन करना अब किसी कंपनी के बस का नहीं है कोई कंपनी संपनी आकर के भारत का शासन चला ले ये होगा नहीं बहुत जल्दी हो सकता है फिर दूसरा विद्रोह हो जाए अगर कंपनी का रखा शासन अगर रखेंगे तो।, तो इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि ठीक है भारतीयों को हम शामिल कर लेते हैं सत्ता के अंदर और भारतीयों को अगर सत्ता में शामिल कर लेंगे तो सारा मामला ही खत्म है ना तो इसीलिए अठारह में क्या होता है इस क्रांति के बाद मैं ये इरेज कर दे रहा हूं जो मैंने यहां पर लिखा था एक अधिनियम बनाया जाता है जिसको अठारह का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये एक्ट बनाया गया ठीक है अब इस एक्ट के बारे में एक बहुत मेन चीज है जो आपको समझनी है मेन चीज ये है कई बार आपसे में पूछ लिया जाता है एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन दे देता हूं कि निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम है जिसको भारत में सुशासन लाने वाला गुड गवर्नेंस लाने वाला अधिनियम कहा जाता है और उसमें आपको तीन चार विकल्प दे दिए जाएंगे 1935 का अधिनियम यानी 1935 का एक्ट 1919 का एक्ट 1833 का एक्ट 1833 का एक्ट और 1858 का एक्ट तो 1858 का एक्ट इस पर आप पे क्लिक करना है ठीक है क्योंकि इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है क्यों कहा जाता है इस चीज को समझिए देखिए इस अधिनियम से पहले भारतीयों को सत्ता में भागीदारी नहीं थी और एक कंपनी भारत पर शासन करती थी ताना साहब प्रकार से ब्रिटिशर्स लोग वहां पर बैठे जरूर थे कानून बनाते जरूर थे अपने देश में लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उनके आदेशों की पूर्ति कंपनी ही करती थी अब ऐसे में उनको समझ में आया कि कंपनी की बजाय अगर पूरा ब्रिटेन वो डायरेक्टली वहां का ताज जो है वो डायरेक्टली अगर भारत का शासन संभाले तो हम भारत के ऊपर कुछ ज्यादा दिनों तक तो काम कर पाएंगे और भारत के लोगों को बहला फुसला भी पाएंगे तो एक साइकोलॉजिकल बदलाव दिखाने के लिए भारत के लोगों में जो विद्रोह की भावना थी जो उसको भी दबाए दबाने के लिए उनको दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारा बेहतर प्रबंधन करना चाहते हैं हम तुम्हारे सच्चे हिमायती हैं उन्होंने क्या किया कि कंपनी कि को कहा कि तुम जाओ टाटा बाय बाय ओके टाटा बाय बाय तुमने जितना काम किया जितना करना था कर लिया अब से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म अब तुम वापस लौटो अब यहाँ पर सत्ता संभालेंगे हम कौन ब्रिटेन का ताज वहां का क्राउन तो ब्रिटेन के ताज के पास सत्ता का हस्तांतरण हो गया यानी कि अब भारत के ऊपर डायरेक्टली पूरे भारत के ऊपर डायरेक्टली कंपनी के बजाय ब्रिटेन का ताज जो है वो शासन करने लगा वो जिम्मेदारी लेकर के काम करने लगा ठीक है ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी ये आप पढ़ लेना बुक में इंपोर्टेंट अब मेन मेन फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिया कि इसका सीधा शासन जो है ताज की अधीन चला गया एक बदलाव किया गया आपको पता है पहले मैंने सारे एक्ट्स पढ़ाए उनमें मैंने आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस बताए थे कि एक एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया फिर एक एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल किया गया ठीक है और उनके बारे में मैंने बताया भी था कि कौन कौन दो लोग थे तो अगर आपको याद है तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला तो ऐसे ही इस अधिनियम में किया जाता है जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल उसका नाम चेंज करके उस वायसराय कर दिया जाता है भारत का वायसराय तो ये एक पद में चेंज आता है क्योंकि गुड गवर्नेंस की सिस्टम दिखाना था ना उनको बताना था ना भारतीयों को देखो हम बदल रहे हैं अगर पुरानी सिस्टम को ले आते तो भारतीयों को बहलाना फुसलाना आसान नहीं रहता तो इन्होंने कोशिश की कि ठीक है कुछ पद को चेंज कर दिया जाए ताकि इंडियंस को भी लगेगी यार कि कुछ मोटे मोटे बदलाव हुए अब शासन बेहतर तरीके से चलेगा तो वायसराय कर दिया गया अब वायसराय क्या है ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था किसको क्राउन को क्राउन का एकदम बिल्कुल डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बन गया लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रख लीजिए ये भारत के पहले वायसराय बने अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़ जाता है एक और तथ्य एक और फैक्ट ये जुड़ जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वायसराय थे यही भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे उस टाइम इस अठारह के एक्ट के आने से पहले तक तो मतलब अंतिम गवर्नर जनरल कौन लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय कैनिंग इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है जैसे आपको, उब, दे आपको आंसर देना है सारे लोग बड़े से सुनना। सिंपल सा क्वेश्चन भारत के पहले वाइस राय कौन थे और उसमें विकल्प दे दिया जाएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग दूसरा दे दिया जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस तीसरा दे दिया जाएगा लॉर्ड मार्ले और तीसरा चौथा आपको दे दिया जाएगा लॉर्ड कैनिंग तो इनमें आपको करेक्ट आंसर लगाना टिक लगाना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा ठीक तो जिन जिन ने भी करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में जल्दी से सारे लिख करके बताएंगे क्योंकि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया तो ये एक चेंज आया ये फोटो देख लीजिए पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग की फोटो थी ठीक है अगर आप इनसे परिचित होना चाहते हैं तो देख लीजिए अब उस टाइम के कुछ छोटे मोटे चीजें को भी उसने चेंज किया क्या चेंज किया इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट इसको समाप्त कर भारत में शासन की जो द्वैध प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो सिस्टम चला रहा था उस सिस्टम को खत्म कर दिया कि ठीक है भैया हम इसको समाप्त करते हैं इसकी जगह पर हम एक नई पोस्ट बनाते हैं और उस नई पोस्ट का नाम रखा गया भारत का राज्य सचिव ठीक है और यह कहा गया कि भारत का जितना भी प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्य सचिव संभालेगा ठीक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये इस पोस्ट का नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और कहा कि सारी की सारी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का काम खत्म और, 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 और का का नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड दोनों का ही काम अब खत्म हो गया यहां से भी सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे कई बार कि कौन से अधिनियम ने भारत के अंदर भारत के राज्य सचिव के पद का गठन किया और उसमें भी आपको तीन चार विकल्प दे दिए जाएंगे कि उन्नीस सौ तिरानवे अठारह सो सैतालीस का एक्ट अठारह एक्ट पैंतीस का एक्ट एक, एक, तो उसमें आपको टिक अठारह है ये रहेगा एक ये पोस्ट चेंज अब ये जो सचिव थे ना ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी थे अब यहां पर देखिए दो पद आपको देखने को मिले एक वायसराय और एक सचिव वायसराय कहा था वो ब्रिटिश ताज क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था और भारत का सच, राज्य सचिव ये वहां की संसद जो ब्रिटेन की संसद थी उसका प्रतिनिधि था और सचिव की सहायता के लिए एक पंद्रह सदस्य परिषद का भी यहां पर निर्माण किया गया जिसका अध्यक्ष सचिव को बनाया गया ये स्ट्रक्चर देखिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को मैं आपके लिए बना करके लाया हूं अठारह के अधिनियम में किस तरीके से ट्रांसफर हुआ पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का विद्रोह हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के दांत खट्टे हुए ब्रिटेन सरकार ने कहा कि तुम चलो अब तुम्हारा काम खत्म यहां से सत्ता चली गई किसके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई तो वहां पर क्या किया गया दो चीजों में चेंज किया गया क्या चेंज किया बदलाव किया गया दो पद बनाए गए एक वाइसराय बनाया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप यहां पर देखोगे तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा प्रतिनिधि था कैबिनेट का सदस्य होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का वाइसराय बनाया गया ये जो ताज है ताज क्राउन ये क्राउन का प्रतिनिधि थी रहा ठीक है तो ये चीज यहां पर स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को आपको मिलता है ठीक है चलिए अब ये मोटा मोटी से चेंजेस थे इतने ही आपको जानना है बहुत ज्यादा चीजों को नहीं जानना है बहुत ज्यादा चीजें वो इतिहास के लिए काम की हैं पॉलिटी के लिए इतनी काम की नहीं है पॉलिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने आपको बता दी क्लास में नोट्स बनाते चले जाना बुक अपने साथ रखना है सेवन एडिशन की बुक को ओपन करके रखना है और ध्यान रखिएगा यहां पर स्लाइड के ऊपर जो भी लाइन आ रही है वो एक तरीके से नोट्स हैं केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैं यहां इंक्लूड करके लाएं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपके लिए बने बनाए नोट्स हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है बुक नहीं ही पढ़ना है पुरानी वाली बुक कोई नहीं पढ़े अगर आपको फेल होना है तो आप पढ़ लीजिएगा अगर आप पास होना चाहते हैं तो नई बुक ही पढ़िएगा पीडीएफ आज डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल नाम ध्यान रखिएगा अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल पीडीएफ आज वहां पर डल जाएगा अब आता है जी 1861 का एक्ट अठारह का एक्ट लाते टाइम अंग्रेजों के दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी अंग्रेजों के दिमाग में क्या चीजें थी उस चीज को समझिए उस टाइम इंग्लैंड के लोगों को समझ में आ गया था कि यार भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के ऊपर सत्ता बनाए रखनी है ना तो उसमें भारतीयों का ही सहयोग लेना पड़ेगा भारतीयों का सहयोग लेना मतलब कि अगर आप भारत के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं और उसमें भारतीय शामिल नहीं है तो बात बनेगी नहीं एक बार दोबारा से विद्रोह हो सकता है एक बार दोबारा से क्रांति हो सकती है और हो सकता है इस बार अंग्रेज लोग उस क्रांति को ना दबा पाए तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि भाई भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था होगी उसमें हम भारतीयों को ही शामिल कर लेते हैं और भारतीयों को शामिल करके इनको ये दिखाते हैं वो बताते हैं कि देखो दो चीजें हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर जो शासन कर रहा है उसमें कौन है भारतीय लोग हैं तो उनको एक आभास होगा कि यार कि चलो हम भी शासन में भागीदार हैं दूसरा जो भी उल्टे सीधे गलत काम करवाने होते थे वो इन्हीं भारतीयों के माध्यम से करवाते तो उनको लगता कि यार कि यार ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है ब्रिटिशर्स कुछ गलत नहीं कर रहे गलत कौन कर रहे हैं यही कर रहे हैं ऐसा ही होता है ना कई बार आप, आप रियलिटी में देखना लाइफ में देखना मान लेते हैं कि एक संगठन है और उस संगठन के दो तीन अध्यक्ष हैं दो तीन लोग हैं जो या मान लेते हैं दस बारह लोग हैं जो वहां के अध्यक्ष हैं मान लेते हैं पुलिस संगठन है ठीक है और पुलिस में मान लेते हैं कि एक एसपी है अब वो एक एसपी आदेश देते हैं पुलिस वालों को नीचे थानों को आदेश देते हैं उनको ये आदेश देते हैं डीएसपी को और सबको बाकी भाई जाओ एक जगह है उस जगह के ऊपर लोगों ने यातायात जाम कर रखा है या लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है कब्जा कर रखा है उस जाकर को छुड़वा दो उन्होंने तो आदेश दे दिया कि जाओ पुलिस फोर्स जाकर काम करो अब वहां पर ग्राउंड में आएगा कौन काम करने के लिए हवलदार है ना आप देखोगे सिपाही हवलदार एस आई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इस टाइप के इन पदों के लोग आएंगे वहां पर और वो आकर के लोगों को पकड़ पकड़ के हटाएंगे या जो उनका जो अतिक्रमण है उसको हटाना है सामान तोड़ना है तो वो तोड़ने में ये भूमिका निभाएंगे तो ऐसे में आम जनता जो होती है जो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में गहराई से जो नहीं जानता उन सबको लगता है कि यार ये जो पुलिस की वर्दी पहनकर खड़े हैं ना यही अत्याचारी है यही है दुष्ट पापी है ना इसी ने हमारा सामान तोड़ा इसी ने हमारे साथ मारपीटाई करी उसको उससे लेना देना नहीं जो ऊपर बैठ करके ऑर्डर दे रहे कि जाओ जा करके तोड़ दो तो इसी तरीके की इमेज बनाने की कोशिश अंग्रेजों ने यहां से की उनके दो उद्देश्य थे भारतीयों को शामिल करने के लिए एक तो ये भारतीयों को आभास दिलाना कि हाँ चल रहे। और दूसरा छिपा हुआ उद्देश्य ये कि कुछ इस तरीके के काम जो है जिनसे भारतीयों को नुकसान होता है नागरिकों को नुकसान होता है वो भारतीयों के द्वारा ही करवाए जाए ताकि ब्रिटिशर्स की इमेज थोड़ी सी बढ़िया सी बनी रहे तो चालाक तो वो पहले से ही थे तो इन्होंने भारतीयों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया शुरुआत की कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और जो कुछ भारतीयों के रूप में नामांकित कर सकता था अठारह में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा एक पटियाला के महाराज दो और सर दिनकर राव तीन इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया तो ये पहले तीन भारतीय बने जो विधान परिषद में मनोनीत किए गए लेकिन मेरे दोस्त आप इन तीनों का नाम देखिए आप एक थोड़ा समझिए समझदारी से देखिए बनारस के राजा बनारस के राजा आप वाले राजा नहीं जो आप करते ना अरे मेरे राजा वो वाला राजा रानी नहीं ये असली वाले राजा रानी है जो आपके प्रेम में आप पड़े रहते हैं बोलते हैं वो वाले नहीं पटियाला के महाराजा ठीक नाम सुनो राजा महाराजा और सर दिन कर रहा हूं दिन कर रहा हूं सर दिन कर रहा हूं इनसे आपको एक चीज समझ में आएगी क्या चीज समझ में आएगी उसमें समझ में आएगी कि यार ये सारे के सारे जो है थोड़े इलाइट क्लास के हैं, इलाइट क्लास मतलब एकदम उच्च वर्ग में ऐसे लोग जिनका आम जनता के साथ इतना कोई लेना देना इतना कोई संबंध नहीं है ठीक है राज्य महाराजे जमींदार टाइप के लोग हैं इनको खुद को इन राजा महाराजाओं को इतना अधिक विधि का कोई गहरा विशेष ज्ञान नहीं होता था और ना ही भारत के लिए बनाई जाने वाली विधियों में कोई दिलचस्पी लेते थे इनको तो बस सम्मान मिल गया कि ये भारत का प्रतिनिधि हाँ भाई हाँ है ना इनको तो बस थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बोल दो राजा महाराज धीराज है ना तो उसी में ही सानो शौकत में हो जाते थे तो इनको भारत के लिए बनाने वाले कानून जो बनने वाले कानून थे उनमें कोई दिलचस्पी ज्यादा थी नहीं उस जो कोई अधिनियम बनाया जा रहा है उससे भारतीयों को लाभ होगा कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो तो बस मस्त थे तो इसीलिए अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से ऐसे ही लोगों को शामिल किया क्योंकि उनको पता था कि इनको शामिल कर भी लेंगे तो भी कोई फायदा ये कुछ करेंगे तो है नहीं महराज, राजा ये राजा महाराज हैं वो अपने शान को वो समझेंगे कि कि यार मैं जाकर के बैठ बैठूंगा नहीं मैं नहीं बैठूंगा है? तो एक ही तीर से दो शिकार करने वाले काम उसने किए आम के आम गुठलियों के दाम वाली चाल चली अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे इन मामलों में बहुत खतरनाक चाल चली ये चीज ध्यान रखिएगा इन तीन लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने परिषद में मनोनीत किया अब एक अच्छी चीज हुई अच्छी चीज ये हुई आपने देखा था 1833 का एक्ट 1833 का जो एक्ट आपको देखा था उस 18 सॉरी मैं यहां पर आपको दिखाता हूं 1833 के एक्ट में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर के समझाया था कि वहां पर क्या हुआ था कि जो बंगाल था ठीक है इसके अंडर में कर दिया गया था सबको मद्रास और बंबई ठीक है इसके अधीन कर दिया गया था बंगाल के अब अठारह के एक्ट में क्या कर दिया गया इस स्ट्रक्चर को दोबारा से चेंज कर दिया गया चेंज क्या कर दिया गया कि जो भाई मद्रास है उसको भी विधाई शक्ति दे दी गई जो बंबई है उसको भी विधाई शक्ति दे दी गई और बंगाल के पास भी रही तो यानी कि जो 1833 में जो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बना था उस स्ट्रक्चर को एकदम उलट दिया मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज को विधाई शक्तियां देकर करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1833 के जो चार्टर में जो चरम पर पहुंच गई थी उसको अब उलट दिया तो यहां से एक सवाल बन जाता है कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत में कौन से अधिनियम के माध्यम से केंद्रीकरण की प्रक्रिया को उलट कर विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया या एक लाइन अभी तो मैं आपसे सरल सरल इजी इजी क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं वन लाइनर ठीक है लेकिन यूपीएससी है ना हो सकता है वन लाइनर भी पूछ ले हो सकता है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन के बीच में दे दे जैसे अभी तक के जितने भी क्लासेस मैंने जितने भी एक्ट पढ़ाए हैं उन सबको मिलाकर के हो सकता है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकती है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें पहला कथन आपको दे देंगे भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जो 1861 के अधिनियम से अपने पद पर स्थापित हुए दूसरा कथन भारत के अंदर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को 1833 के एक्ट से पुनः स्थापित किया गया तीसरा कथन 1861 के एक्ट ने केंद्रीकरण की प्रणाली को बदल करके विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ाया या प्रतिस्थापित किया और चौथा कथन फोर्थ कथन जो है वो आपसे दे देंगे और उसमें आपसे पूछ लेंगे कि भारत के पहले आ, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड वारेन हिस्टिंग थे और इसमें से फिर आपको विकल्प दे दिया जाएगा ठीक है कि केवल एक सही केवल दो सही दो और केवल दो और तीन सही है ना इस तरीके से विकल्प देकर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो अगर आप जिंदा हैं तो आप आंसर बताएंगे आप लोग जिंदा हैं क्लास के अंदर कि नहीं जिंदा हैं तो लाइक शेयर करते आइए और आंसर दीजिए सब लोग मैं चाहता हूँ थोड़ा आंसर देंगे ना मजा आता है आप लोग इन्वॉल्व होकर के पढ़ेंगे तो आप भी करेंगे एक ही स्टेटमेंट ठीक थी बाकी गलत थी अब कैसे गलत थी कैसे सही थी स्टेटमेंट को बार बार समझ लेना रिपीट करके देखना और जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना मैं आप सबके कमेंट जो है यहां पर पढ़ता हूं तो ये एक चेंज हुआ यहां पर विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ केंद्रीकरण की प्रक्रिया को चेंज किया गया अब कुछ नई विधान परिषदें बनाई गई बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में अठारह सौ और अठारह में विधान परिषदों का गठन किया गया यह एक चेंज हुआ ठीक है वायसराय को और अधिक शक्तियां दे दी गई कि भाई परिषद में जो कार्य संचालन है उसके लिए अधिक नियम आदेश बनाने की जो पावर है वो वायसराय को दे दी अल्टीमेटली शक्तियां जो है वो वायसराय के पास ही आती चली गई थोड़े थोड़े टाइम में अब अठारह में लोड कैनिंग ने एक प्रणाली प्रारंभ की थी उसको बोला जाता था पोर्टफोलियो प्रणाली उस पोर्टफोलियो प्रणाली को इसने मान्यता दी इस एक्ट ने पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या होता था इस चीज को समझ लीजिए ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के साथ भी जुड़ा हुआ है यहां से भी पूछ ले जाते हैं कि पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ हुई इसको मान्यता कब दी गई देखिए जैसे आज मंत्रिमंडल होता है ना आज के टाइम में आप देखते हैं कैबिनेट बनाया जाता है एक ही मंत्री के पास कई सारे विभाग आपको देखने को मिल जाते हैं कई सारे मंत्रालय देखने को मिल जाते हैं तो जो मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिलेगा कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये डिसीजन करना ये आवंटन करना ये पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है कि भैया ये आपका पोर्टफोलियो जैसे आप लोग बताते हैं ना अपना पोर्टफोलियो आपसे पूछ लेते हैं कि आप भी बताओ पोर्टफोलियो क्या है तो आप लोग अपने बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं ना कि भाई मैंने बीए किया है एमए किया है पी की है ठीक है मॉडलिंग भी कर लेते हैं गाना भी गा लेते हैं चैट में आकर के नाम बदल करके आपस में एक दूसरे के साथ प्यार की पिंगे भी लड़ा लेते हैं लोग नहीं देखते तो आपस में किसी की खिंचाई भी कर देते हैं नाम बदल करके भेष बदल करके बैरूपिया बन करके है ना इस तरीके से अपने उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं तो वो आपका पोर्टफोलियो हो गया एक तरीके से आपने ये ये काम किए हुए हैं ठीक तो ऐसे ही यहां पर इनका पोर्टफोलियो हो जाता था कि भाई एक व्यक्ति है उसके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ठीक है रक्षा मंत्रालय कौन संभाल रहा है है ना विधि एवं न्याय कौन संभालेगा शिक्षा कौन संभालेगा इस तरीके से और उसमें एक उस टाइम बहुत ज्यादा व्यक्ति थे नहीं इनकी परिषद में और उधर कुछ ही गिने चुने लोग होते थे और पूरा भारत के अंदर शासन को संभालने के लिए बहुत सारे दायित्व थे तो उतने लोगों को खोज पाना संभव था नहीं उस टाइम तो फिर इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक विभाग मंत्रालय सौंपने की एक परंपरा प्रारंभ की कि काम करते हैं कि एक व्यक्ति है इसी को हम तीन चार चीजें दे देते हैं इसी को हम वित्त भी दे देते हैं इसी को हम रख आ, तर, आ, रक्षा भी दे देते हैं इसी को हम न्याय भी दे, दे देते हैं एक उदाहरण से, से समझाए कि ऐसे दे सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को कई सारी चीजें दे दी गई कई सारे मंत्रालय दे दिए गए तो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो प्रणाली का जिस्ट था अठारह में इसने शुरू की थी और ये अच्छी चली ये पसंद आई इसके सही थोड़े परिणाम निकले तो इसको अठारह में के एक्ट से मान्यता दे दी गई ठीक है एक सदस्य इसके अंतर्गत तो वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था ठीक है यह चीज रही तो यह सेम चीज जो मैंने आपको समझाई पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति आप देखते हैं कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है कि जब भाई भा... अगर मान लेते केंद्र की बात करें तो भारत में अगर मान लेते हैं कि हमारी आ, संसद का सत्र नहीं चल रहा तो ऐसे टाइम में कोई विशेष कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो कानून लाना है तो ऐसे में अध्यादेश ऑर्डिनेंस ले आया जाता है और उसके माध्यम से काम होता है और वो ऑर्डिनेंस ओडिन, जो है अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति तो इस अध्यादेश का प्रारंभ जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया और ये छह महीने की अवधि इसकी होती थी तो बेसिकली यहां पर ऑर्डिनेंस शुरू हो जाते हैं अध्यादेश शुरू हो जाते मैक्सिमम छह महीने तक वो वैलिड होता और उसके लिए वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता था किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी हालांकि वर्तमान में जो होते हैं वो अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं ला सकते वो मंत्रिपरिषद के कहने पर ही लाएंगे लेकिन शुरुआत जब होती है तो उस समय बहुत सारी कमियां होती हैं थोड़ा सा तानाशाही की प्रवृत्ति भी होती है धीरे धीरे समय के अनुसार उस चीजों में बदलाव होते हैं तो यहां से ऑर्डिनेंस अध्यादेश की जो अनुभूति है एक्सपीरियंस जो है भारत ने वो यहां पर किया वायसराय के पास सारी की सारी पावर दे दी गई अब आते है अठारह सो बानवे का एक्ट देखिए मैं क्या कहता हूं अठारह सो बानवे का जो एक्ट है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ठीक है हाँ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप बहुत सारी चीज देख सकते हो लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ एक सिंपल सी इंपॉर्टेंट एक दो लाइन माइनर सी आप पूरा भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी कई लोगों को चैन नहीं आता एकदम से अंदर से आवाज आने लगती है कि नहीं अब तेरे बिना जिया ना जाए ये तो पढ़ के ही जाए तो फिर उनके लिए मैं समझा भी देता हूं अठारह के अधिनियम फिर आता है देखिए क्या होता है कि अठारह की क्रांति ने भारत के अंदर का बीज दिया था लोगों में राष्ट्रीय भावना पनप रही थी जोरों से और उस समय भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होने लगा था पश्चिमी साहित्य आने लगा था उस शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना और ज्यादा बढ़ने लगी भारतीय समाचार पत्र उन्होंने भी इसमें योगदान देना शुरू किया देसी भाषाएं उनका विकास होता चला जा रहा था उन्होंने भी इसमें पर्याप्त योगदान दिया और ऊपर से जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी उसने एकदम आग में घी का काम किया इसके कारण चारों तरफ भारत में एक ही डिमांड उठने लगी कि भारतीयों को प्रशासन में और अधिक भागीदारी दी जाए इतने से काम नहीं चलेगा केवल राज्य महाराजाओं को ले रखे वो वास्तविक तो है ही नहीं जो आम जनता है, जो सच्चे देश के हितैषी हैं जो देश की जनता के लिए काम करें उन लोगों को भागीदारी दो और अधिक संख्या में भागीदारी दो तो इस तरीके का माहौल बन रहा था ऐसे माहौल में 1885 में एक घटना होती है 1885 में आपको पता है भारत में जो एक बहुत बड़ी पार्टी का जन्म होता है आज के टाइम में जिसको आप कांग्रेस बोलते हैं उस पार्टी का जन्म होता है अठारह में और इसका जन्म इसका गठन इसकी स्थापना किसने की एक अंग्रेज ह्यूम ने ह्यूम इन्होंने प्रारंभ किया क्या नाम रखा गया अखिल भारतीय कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस ये नाम रखा गया और इसके माध्यम से भारतीय लोगों को एक मंच मिला एक संगठित मंच एक ऐसा संगठित मंच जिसमें अभी तक लोग जो बिखरे बिखरे स्वरों में आवाज उठाते थे अब वो एक ही मंच पर इकट्ठे एक एकजुट होकर के अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते थे और इन लोगों ने भारतीयों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग लगातार उठाए रखी और इसीलिए उसी चीज की पूर्ति के लिए अट्ठारह का एक्ट आया और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य हैं गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय लोग ठीक है इनकी संख्या में बड़ा बढ़ोतरी कर दी गई तो बस एक तरीके से ये चीजें थी और ज्यादा का, खास काम का नहीं था यहां पर इतना ही चीजों को समझ लीजिए आप ठीक है एक और हुआ कि बजट पर बहस कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया इन चीजों को आप कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं इस पर आ जाइए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आती हैं उन इम्पोर्टेंट चीजों पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर देंगे Joss? Joss कैसा है जिंदा है कि नहीं आप लोग क्या आप लोग क्या इस चैट में लगे रहते हो कई सारे लोग तो यार लाइव है कि रिकॉर्डेड है ना कई लोग लगे हुए चैट में मैं ठीक हूं अब है आप बताइए इतने दो कितनी ज्यादा चिंता हो रही है सोनी सोनी को ही है वो मैसेज में कर रहे हैं है ना अभय कुमार पूछ रहे मधु यूपीएससी की प्रिपरेशन करता 2025 फर्स्ट एटम है अब मतलब चैटिंग में भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं सही से उसमें भी बातें नहीं हो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो यहाँ पर तो तुम्हारे काम भी आएगा और थोड़ा एग्जाम भी निकलेगा हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो जाए हो सकता है सिलेक्शन हो जाए लेकिन आपसी चैट में तो कुछ होगा नहीं है ना तो इसी तरीके से एक हाई जोश के साथ बने रहिए <laughs> और थोड़ा क्लास पे ध्यान दे दी फिर चैट के लिए बहुत टाइम मिलेगा जितना मर्जी बात करना करना आपके लिए टाइम देंगे कि हाँ भैया बात कर लो अब मचाओ तो भाई उसमें है ना रिकॉर्डेड क्लास नहीं है अगर रिकॉर्डेड क्लास होती तो मैं तुम्हारा कैसे क्या है यार तुम छोड़ो है ना एकदम तो टिपिकल उसमें लैंग्वेज में दे रहे थे ने? गलत जल्दी जल्दी में कई बार लोग टाइप करते तो इस तरीके से हो जाते हैं तो इसीलिए कर रहे थे चलो हो गया थोड़ा सा हंसी मजाक चेहरा खुश हुआ है ना शरीर में ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ अब आ जाते हैं अगले एक्ट पे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर पढ़ने के बाद फिर से हंसा देंगे ठीक है अब 1909 का अधिनियम आता है और इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है मार्ले मिंटो एक्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें रही उसको समझिए एक समझ देखिए 1906 1906 1906 में 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 है है ना एक चेंज होता है। 1906 में, 1906 में और भी कई सारी घटनाएं होती हैं कौन कौन सी घटनाएं होती हैं आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में वो इतिहास का हिस्सा है बंगाल का विभाजन कब होता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ सवाल हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि किस वर्ष में हुए अब मैं बात कर लेता उन्नीस 1906 की उन्नीस में लार्ड कर्जन जो थे उनकी जगह पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया जाता है जो लॉर्ड मिंटो है इनको बनाया जाता है भारत का वायसराय ठीक मिंटो मिंटो का मतलब वो मिंटोज मत समझ लेना नाम है मिंटो अब इसके साथ साथ जो एक और थे जिनको नाम था जान मारले ठीक है, जोन मारले इनको बनाया जाता है भारत का राज्य सचिव दो पद क्रिएट किए गए थे आपको याद है ना अठारह के एक्ट से तो जान मारले अब यहां पर ये वो वाली जान मत समझ लेना जोन है जोन ये मेरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है जिसमें हिंदी में कई बार जोन तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना तो कभी सोचो सर तो जान दिख रही है आप वाली जान नहीं है ये जोन मारले जोन मारले तो मार ले और मिंटो ये दो लोग नए आए ठीक है अब ये जोन मार ले थे, ये उदारवादी थे 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 उदारवादी लिबरल लिबरल और लोग हैं वो प्रशासन में सुधार करना चाहते हैं वो सुधारवादी होते हैं वो चेंज करने पे बिलीव करते हैं तो इनका भी ये था कि भाई भारतीय प्रशासन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है सुधार करने की जरूरत है ठीक है और लॉर्ड मिंटो जो है वो भी मार्ले के विचार से सहमत थे तो इन दोनों के द्वारा जो किए गए सुधार थे इसको मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है ठीक है अब मार्ले मिंटो एक्ट में क्या क्या चीजें हुई उन चीजों को हम समझ लेते हैं उनमें दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुई एक तो अगर ये क्या हुई कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई ठीक है यानी कि एक तो संख्या बढ़ा दी भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ गया संख्या भी बढ़ गई ठीक है तो इससे क्या हुआ कि भाई भारतीयों को और थोड़ा और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला ज्यादा लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो वो ज्यादा लोकतांत्रिक होता है केवल दस, लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो वो केवल अपनी मनमर्जी चलाते हैं वो अधिक लोकतांत्रिक नहीं होता तो उनके मुकाबले थोड़ा और अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ इन्होंने बढ़ा दिया एक चीज यहां पर हुई दूसरी चीज क्या हुई कि इन्होंने कुछ दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना बजट पर संकल्प रखना आदि तो एक अच्छी चीज यह हुई कि भारतीयों को भी मौका मिला कि सवाल जवाब कर सकते थे उजूर, बताओ ऐसा काहे बे बोलते ना कई बार ऐसा काहे ये कैसे होगा ये क्यों हो गया इस तरीके का कानून क्यों नहीं बनाया गया है ना आपने इस तरीके की व्यवस्था क्यों की वगैरह वगैरह तो ये एक अच्छी चीज भारतीयों को मिली कि भारतीयों को आवाज उठाने का मौका जो है वहां पर परिषद में मिला अब एक बहुत बड़ी चीज हुई कि जो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका का, परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया ये पिक्चर थी तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पहले भारतीय कौन थे पहले भारतीय जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने तो सत्येंद्र सिन्हा आप नाम याद कर लीजिएगा ये पिक्चर भी है और इनके नाम कई सारे और भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल है इनको तो इनको विधि सदस्य बनाया गया ठीक है लो मेंबर जो है इनको बनाया गया अब मुद्दा क्या आता है एक चीज समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पिक्चर में देखने से मिल जाएगी पिक्चर देखिए ये पिक्चर आपको देख के क्या बताती है मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दोस्त थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए यहां पर बताएं कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसको देख करके क्या समझ में आता है क्या चीज समझ में आ रही है आपको ये यह सारे यहां पर दो तरीके के विचार हो सकते हैं आपके एक विचार ख्याल लोगों में यह आ सकता है किसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ एकजुट हो रहे हैं ऐसे आ सकता है आपके दिमाग में ठीक है जो सकारात्मक सोच वाले हैं जो तर्कशील है उनके दिमाग में दो तरीके के विचार आएंगे कि यार ये फोटो देख करके हो सकता है कि ये सारे जुड़ भी रहे हो या यूं भी हो सकता है कि ये सारे हाथ इन जुड़े हुए लोगों को खींच करके अलग करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं है ना यूनिटी तोड़ने की संभावना भी है और यूनिटी जोड़ने की भी संभावना भी है अब यहां पर चीजें को समझिए अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद से ही भारतीय लोगों की एक कमजोरी समझ में आ गई थी उनको कमजोरी यह समझ में आई कि यार भारत में तो बड़े बड़े अलग अलग समुदाय हैं और इनमें दो बहुत बड़े समुदाय हैं एक मुस्लिम और एक हिंदू और अगर भारत के ऊपर लंबे समय तक शासन करना है तो लंबे समय तक शासन करने के लिए आपको भारत की जो ये एकता है खास करके जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ना पड़ेगा और उनको तोड़ना इस तरीके से पड़े कि किसी को षड्यंत्र की बू भी ना आए और सबको लगे यार ये तो भलाई के लिए किया गया काम था ये तो भारत के शासन को सुधारने के लिए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए किया गया प्रयास था इस तरीके से किया जाए लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य यह था कि भारतीय एकता टूट जाए और भारतीयों के ऊपर कब्जा बनाए रखा और लंबे समय तक संभव हो जाए और भारतीय लोग एकजुट होकर के अंग्रेजी नीतियों का खिलाफ ना आ सके और याद समझिएगा उस समय तक मुस्लिम लीग भी अस्तित्व में आ चुकी थी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो वहां पर प्रतिद्वंदी एक तरीके से वैचारिक रूप से देखने को मिल जाते थे अब अंग्रेजों ने यह समझा कि भाई क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम लोगों की पहचान अलग कर दें और ये पहचान अलग कैसे करेंगे इनको डायरेक्टली अगर बोलेंगे कि एक काम करो हिंदू तुम्हारे अत्याचार करते हैं मुस्लिम तुम्हारे अत्याचार करते हैं तुम दोनों आपस में लड़ भिड़ो आपस में ही मार पिटाई करो एक दूसरे को खत्म कर दो ऐसा तो होता नहीं औरंगजेब का जमाना चला गया या, या सबको यूं कहते हैं कि तुम अपना अपना धर्म चेंज कर लो ऐसा जमाना भी चला गया अब तो समझदार थे इनको पता था कि साथ मिलकर के रहेंगे तो अच्छा रहेगा तो ऐसे में इनके अंदर एक दूसरे के खिलाफ भावना कैसे डाली जाए फूट डालो और शासन करो की नीति को कैसे एग्जीक्यूट किया पहले तो रिप्रेजेंटेशन दिया प्रतिनिधित्व तो दिया ना भाई कि भारतीय लोग भी चुने जा सकते भारतीय लोग भी आ सकते, आएंगे हिस्सा बनेंगे भारतीय लोगों की संख्या भी बढ़ाई अब उसमें इन्होंने कर दिया कि मुस्लिम लोग केवल मुस्लिमों को वोट डालेंगे हिंदू हिंदुओं को डालेंगे ठीक है? एक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई इस अधिनियम ने प्रथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का एक प्रावधान किया ठीक है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता कर सकते थे अब इसके पीछे इन्होंने तर्क जो है वो ये दिया कि भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्या में है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है मुस्लिम जो है उनकी संख्या कम है ऐसे में अगर इनको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो मुस्लिम लोग करके नहीं आ सकेंगे परिषद में स्थान नहीं पा पाएंगे तो ऐसे में इनको भी स्थान देने के लिए हमने ये इस तरीके की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की उनको पता था उस टाइम उनको लगता था हालांकि उन्होंने ये प्रचार इस तरीके से किया लेकिन इसके पीछे उनका छुपा हुआ हिडन एजेंडा यही था कि दोनों समुदायों के बीच में फूट डाल दी जाए अपनी पहचान डाल दी जाए अब ऐसे में यह हो गया सबके यार हम तो इस समुदाय के हम तो इसी समुदाय को वोट देंगे हम उस समुदाय के हम तो केवल उसी समुदाय को वोट देंगे तो एक सामुदायिक पहचान जो है वो ज्यादा बलवती होने लगी भारतीयता की भावना है उसके ऊपर हावी होने लग गई अपने धार्मिक भावनाएं अपने धर्म के प्रति भावनाएं उनके कुछ मेन मेन नेता वो बोल दें उन्हीं के पीछे सारी चीजें कर लें तो अंग्रेजों का जो हिडन एजेंडा था वो यहां पर आया और इस हिडन एजेंडा ने यहीं से ही भारत के विभाजन की नींव रख दी थी उन्नीस में जो भारत का विभाजन हुआ उस भारत के विभाजन की असली बुनियाद जो तैयार हुई ये 1909 के अधिनियम के माध्यम से तैयार हुई थी क्योंकि यहां से भारतीय जो एकजुट एक साथ मिलकर के रहते थे उनको आपस में अलग अलग पहचान दी गई तो ये चीज जो है यहां पर हुआ ठीक है एकदम साथ प्यार मोहब्बत से रहने वाले समुदायों को वो कर दिया और आप समझिए मैं आपको बताता हूं अंग्रेजों ने जो फूट डालो शासन करो की नीति का सूत्रपात किया था उसी तरीके की नीति का सूत्रपात जो है आगे आने वाले अंग्रेज जितने भी वायसराय रहे यस भारत सचिव रहे उन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया यहां से और फिर उसके बाद ये भारत की राजनीति में एक गरम गरमाया मुद्दा बन गया जिसको लेकर बहुत सारे टकराव भारत के क्षेत्र में आज भी देखने को मिलते हैं और इसने एक बहुत गहरी चोट भारतीय लोकतंत्र के ऊपर पहुंचाई तो इन सारी चीजों के जो दंगे हुए और बाकी चीजें उन सब का कहीं ना कहीं जो सूत्रपात था वो अठारह ये उन्नीस का एक्ट था और यहां से यही लोग दोषी थे ये जो उन्नीस के एक्ट वाले लोग थे इन्होंने ही ये सारी चीजें की इसीलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने वाला एक्ट कहा जाता है और जो लॉर्ड मिंटो है उसको सांप्रदायिक के जनक के रूप में जाना गया है आपको कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के जनक कौन थे तो उसमें आपको कई सारे विकल्प दे दिए जाएंगे और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा लॉर्ड मिंटो लॉर्ड करजन लॉर्ड माउंट लॉर्ड मार्ले ठीक है और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा और उसमें आपको कमेंट करके आंसर करके बताना है सब लोगों को ठीक खास करके बाकी सारे जो दोस्त हैं जो आपस में चैटिंग में लगे हैं वो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर ठीक तो ये 1909 का अधिनियम भी समाप्त हुआ इतनी ही चीजें काम की थी काम बहुत सारी थी पर इतनी ही चीजें थी ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं जिंदा है कि नहीं आप लोग क्लास में जीवित हैं कि नहीं जोश से भरपूर लबरेज है कि नहीं माना कि रात हो रखी है टाइम बहुत हो गया है लेकिन पढ़ना तो है ना पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए क्या दिन क्या रात वो तो मेहनत करते चले जाते हैं यही स्ट्रगल यही संघर्ष तुम्हें सफल बनाएगा और जिस दिन सफल हो गए तो पता चलेगा कि यार कि तुमने जो मेहनत की थी ना सच्ची मेहनत की थी ईमानदारी से मेहनत की थी उस मेहनत का फल तुम्हें उस टाइम मिला है और जो बाकी के जो बिना मेहनत के लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की जो आपस में चैटिंग में लगे हुए हैं हो सकता है कि कुछ मित्र बन जाएं मित्रता जरूर हो जाए उनकी हो सकता है कि खाने पीने पर चले जाएं साथ में हो सकता है कि थोड़ा पैसा वैसा खर्च कर लें है ना चाय कॉफी पीने में खाना खाने में डेट वेट पर जाने में लेकिन वो अगले दस बारह साल ऐसे ही निकल जाएंगे उनको उनको समझ में नहीं आएगा दस बारह साल के बाद समझ में आएगा कि यार सर सही कह रहे थे लाइव क्लास में आकर के हम फालतू की चैटिंग करने की बजाय पढ़ लेते ना तो ठीक था ठीक है पढ़ाई नहीं की उसका परिणाम क्या है कि वो दस बारह साल तक बैठे हैं अभी भी लगातार वही रिपीट करते जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब अगला एक्ट आता है उन्नीस का अधिनियम उन्नीस के अधिनियम के लिए जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा पार्लियामेंटो एक्ट जो था वो भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं और सफल रहा असफल रहा भारतीयों की मांग थी कि एक उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना हो जिम्मेदार सरकार की स्थापना हो उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई उसके बजाय आपस में विभाजन और पैदा कर दिया ठीक है विधानमंडल के जितने भी सरकारी सदस्य थे विधानमंडल में बता थे उसमें सरकारी और गैर सरकारी दो सदस्य होते थे सरकारी सदस्य थे वो कोई भी प्रश्न पूछते ही नहीं थे वो चलो ठीक है चलने दो और जो गैर सरकारी सदस्य थे वो भी यही करते थे तो वो भी नहीं पूछते थे मतदान के टाइम अगर ने सवाल पूछ भी लिया लेकिन जब भी वोटिंग होती थी तो वोटिंग के टाइम सरकार का ही पक्ष लिया जाता था सरकारी सदस्य सरकार के पक्ष में वोट करते थे निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी मताधिकार की पद्धति दोषपूर्ण थी सबको वोटिंग का राइट नहीं था केवल कुछ लोगों को ही संकुचित प्रकार से भेदभाव प्रकार से मताधिकार दिया गया था स्त्रियों को महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उसी दौरान कुछ घटनाएं घटने लगी वैश्विक स्तर पर पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय उस विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटी उन घटनाओं ने भारतीय लोगों की आंखें खोल दी और उनको समझ में आया कि यार स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी आपस में अपनी संघर्ष को जोर शोर से चलाना अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करना कांग्रेस ने अपना आंदोलन बहुत तीव्र कर दिया अंग्रेज लोगों को यह समझ में आ गया कि 1914 का 1914 के अंदर 1914 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस विश्व युद्ध ने भारतियों की महत्वाकांक्षा को प्रगति प्रदान कर दी है और भारतीयों को एक बार फिर से अठारह की क्रांति जैसा विद्रोह करने से रोकने के लिए यह जरूरी था कि भारतीयों को यह दिखाया जाए कि नहीं हम तुम्हारे शासन में और सुधार करना चाहते हैं हम तुम्हें और भागीदारी देना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर के 1917 में भारत के एक नए राज्य सचिव बने जिसको बोला जाता है मांटेग्यू ठीक है 1917 में 1917 में मांटेग्यू वो भारत के राज्य सचिव बने और उसने कहा कि भारत में भाई और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है लोगों को और अधिक भागीदारी देने की आवश्यकता है हम भारतीयों के साथ है एक तरीके से छलावा करने की कोशिश की गई ताकि भारतीय लोग विद्रोह की भावना में ना चले जाएं प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा मोटिवेशन लेकर के बहुत सारा मोटिवेशन लेकर के कहीं आंदोलन ही ना करके टूट ना पड़े अंग्रेजों को भागना ना पड़ जाए ठीक है <laughs> और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन की संसद में घोषणा कर दी ब्रिटेन की संसद में घोषणा कर दी कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार की नीति यह होगी कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के समर्थन या सहचर्य को बढ़ाया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में उत्तरदायी पूर्ण सरकार की स्थापना की गई बेसिकली कहने का मतलब कि भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और रिस्पॉन्सिबल और गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी जिसमें जनता का शासन हो और जैसे यह घोषणा हुई ब्रिटेन की संसद में देखिए शासन भारत में चल रहे घोषणा कर रहे ब्रिटेन की संसद में जैसे ये घोषणा हुई घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक अवस्था की जांच करने के लिए वो भारत आ जाते हैं ठीक है बॉन्टेग्यू भारत में आते हैं कि चलो भाई भारत की सिस्टम को देख लेते हैं क्या है राज्य सचिव तो क्योंकि वहीं का वहीं पर प्रतिनिधि था ना कैबिनेट का तो ऐसे ही उन्होंने उस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उनके साथ मिलकर के पूरे भारत का दौरा किया

कोली अनुष्का शर्मा विरुस का विरुस्का बोलते हैं लोग है ना इस तरीके से अलग अलग तो यहाँ पर सब लोग आपस में जिसको भी पसंद कर रहे होंगे वैसे तुरंत नाम जोड़ देंगे अभियली है अलग अलग तरीके के नाम उसमें बड़ा मजा आता है सबको अपना अपना नाम दूसरे के साथ जोड़ करके कनेक्ट करके कर, 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 हाँ सच्चा प्रेम तो यही है कि जब दोनों का नाम कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर यह मांडफोर्ड योजना कहलाई क्योंकि दो लोगों का नाम यहाँ पर जोड़ दिया गया और इन्होंने भारत में जो सुधार करने थे उन सुधारों की एक भावी रूपरेखा प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक को पारित किया गया 1919 में और उसका नाम रखा गया भारत सरकार अधिनियम 1919 ठीक है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोला जाता है ठीक है क्योंकि एक भारत के वायसराय थे और एक भारत के राज्य सचिव थे इन दोनों ने मिलकर के यहां पर किया अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए उन बदलावों को देख लेते हैं उससे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं ये तत्कालीन समय का डॉक्यूमेंट है जो यहां पर सर इधर वो जो आप देखोगे पहले डिजिटल वाला जमाना नहीं था आजकल तो सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में मिल जाती है तो उस टाइम पहले पोथी पन्ने होते थे बहुत सारे कागजों में फाइलों में इस तरीके से बहुत टाइप के विधेयक ऐसे बनाए जाते थे तो ये उस समय का मांटेग्यू चेंड सुधार जो थे उसको लेकर के एक थोड़ी सी टूटी फूटी पुरानी धुरानी सी पिक्चर मिली मेरे को आपको दिखाने के लिए लगा दी ताकि चलो आप लोग देख करके इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि उस टाइम किस तरीके से विधेयक जो है बिल जो है वो ड्राफ्ट किए जाते थे लाए जाते थे अब चीजों पर आ जाते हैं इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं इसने भारत में कई चीजों का सूत्रपात किया प्रारंभ किया क्या सूत्रपात किया उन सूत्रपात को समझ लेते हैं केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया यानी कि अब इससे पहले एक खिचड़ी सी पकी हुई थी कि, कि किस पर कौन कानून बनाए किस पर कौन मूल रूप से केंद्रीय सरकार ही सारे के सारे काम करती थी ठीक है लेकिन यहां पर जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी उस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी ना ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कि भारतीयों को हम और अधिक साहचर्य देंगे साथी बनाएंगे उनको और अधिक भागीदारी देंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो तभी होगी ना जब उनका सारी शक्तियां उनके कार्य डिसाइड रहे किस पे कौन कौन क्या करेंगे तो उसके संदर्भ में एक पहला कदम इन्होंने ये बढ़ाया कि भाई केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया जैसे आज के टाइम में आप तीन सूचियां देखते हैं ना संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची तो उन सूचियों का सूत्रपात यहां से हो गया उनका वास्तविक रूप 1935 के अधिनियम में आया लेकिन उसका सूत्रपात यहां से कर दिया गया कि भैया केंद्रीय सूची बना दी गई और प्रांतीय सूची बना दी गई ठीक प्रांतों को थोड़ी और और अधिक स्वायत्तता दे दी गई केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों को विषय पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया यानी केंद्रीय सूची पर केंद्रीय और प्रांतीय सूची पर प्रांतीय विधान परिषद वो कानून बनाएंगे आज ही की तरह लेकिन जो सरकार का ढांचा था वो एकात्मक रहा केंद्रीय और एकात्मक रहा वो इंटीग्रेटेड रहा ठीक इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया हस्तांतरित और आरक्षित ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां से भारत में एक नई शासन प्रणाली शुरू होती है जिसको बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली ठीक है द्वैध शासन प्रणाली क्या है इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं सारे के सारे जब भी हम बात करते हैं जो प्रांत केंद्रीय विषय थे और प्रांतीय विषय थे केंद्रीय विषयों को तो यथावत बनाए रखा गया ठीक है और जो केंद्रीय विषय थे उसके अंदर कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय जो है वो रहते थे अब जो प्रांतीय विषय थे उनमें हस्तांतरित और आरक्षित दो तरीके बना दिए गए इसमें भी इनकी बड़ी चालू पंथी थी चालू पंथी क्या थी कि कहीं भारतीय लोग वास्तविकता में सत्ता में भागीदारी ना करने लग जाए तो उनको सत्ता की भागीदारी से दूर रखने का एक तकनीकी उपाय उन्होंने निकाल लिया था तकनीकी उपाय किस तरीके से समझिए ठीक है ठीके? जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय उनके बारे में समझिए हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे यानी कि हस्तांतरित सब्जेक्ट जो है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट थे अगर जिनका नाम मैं अगर बताऊं शिक्षा खेती स्थानीय स्वायत्त शासन कम महत्व के विषय इनको हम बोलते हैं कम महत्व के विषय कम महत्व के विषय जो अधिक महत्व के नहीं थे और तत्कालीन समय में इन चीजों का महत्व इतना था भी नहीं तो ऐसे विषयों के ऊपर तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता ली जाती थी यानी कि भारतीयों की सहायता ली जाती थी भारतीयों की भूमिका इसमें थी लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ही चालाकी से उन्होंने जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय थे उनको आरक्षित विषयों के रूप में रख दिया गया और उसमें गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी ठीक है यानी कि उनका विधान परिषद से कोई लेना देना नहीं था उनके ऊपर ये अपने आप से ही काम कर सकते थे ठीक है ब्रिटिश संसद के प्रति इस चीज को लेकर के उत्तरदायी रहते थे इसमें प्रमुख विषय कौन से थे जैसे जेल उस जेल उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के टाइम में भी इंपॉर्टेंट है लेकिन तत्कालीन समय में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जितने भी भारत के आंदोलनकारी होते थे उनको जेल में भेजते थे वो लोग काला पानी की सजा बड़ी फेमस थी उस समय पुलिस भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए कहने वर्ग को तो ये कहते थे कि सत्या प्रशासन संभालने के लिए गुड गवर्नेंस के लिए पुलिस लेकिन उस समय जो अंग्रेजों की पुलिस थी वो भारतीय आंदोलन का दमन करने के लिए अधिक वो काम करवाते थे उससे पुलिस के माध्यम से अंग्रेज लोग जेल का काम पुलिस न्याय वित्त सिंचाई ये जो अधिक महत्व वाले विषय थे ये सारे के सारे महत्वपूर्ण विषय जो है ये इसमें रख दिए गए आरक्षित तो विषयों में डाल दिए गए ठीक है और इनमें भारतीयों का कोई लेना देना नहीं विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी लोग उनका कोई लेना देना नहीं वो इसमें भागीदारी नहीं कर सकते तो एक तरीके से केवल भारतीयों को इन्होंने एक थोड़ा सा टेस्ट कराया लोकतंत्र का हल्का सा सही तरीके से पूर्ण रूप से उनको भागीदारी अभी भी नहीं दी ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है गवर्नर जो है वो मंत्री और कार्यपालिका दोनों के निर्णय को रद्द कर सकता था यहां पर गवर्नर को सुपर पावरफुल बनाया गया कि गवर्नर चाहे मंत्री और कार्यपालिका दोनों की किसी की भी बात ना माने ठीक है अपनी मर्जी से पूरा का पूरा डिसीजन उनके ले सारे थे। कई सारे मामले ऐसे थे जिन मामलों में कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना जरूरी था भारत में आज भी इस तरीके के होते वर्तमान में तो वित्त विधेयक लाना है बजट पेश करना है तो आपको राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है केंद्र में और राज्यपाल की जरूरत पड़ती है राज्य में तो इन चीजों का प्रारंभ यहां पर भी देखने को मिला कि कई सारे ऐसे मामले थे लेकिन कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी कि हाँ भाई बताओ हम इसके ऊपर कानून बना ले कि ना बना ले क्या यह कानून बनाया जा सकता है, है? क्या हम भारतीयों को फ्री शिक्षा यस पूरे भारत में सबको गुणवत्तापूर्ण फ्री शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं अब ऐसे में गवर्नर ऐसे किसी भी कानून को क्यों बनाने की परमिशन देगा जो भारतीयों के लाभ में हो भारतीयों के हित में हो गवर्नर तो नहीं देगा ना उसका तो मेन एजेंडा ये रहता था कि ब्रिटिशर्स की सत्ता और मजबूत हो तो ऐसे में यहां पर भी रोक लगा <laughs> सोचो कि मतलब गवर्नर को कितनी ज्यादा पावर उसको विटो की पावर दे दी गई किसी भी विधेयक पर वो वीटो का अधिकार उसके पास प्राप्त था तो एक एक तरीके तरीके से इससे भारतीयों को एक का कहते हैं ना कि गई बच्चे को बच्चे को कि लो भाई ये खा और चुप हो जाओ रोते हुए बच्चे को तो भारतीयों को शांत करने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया और ये दोहरी शासन व्यवस्था है और इसको बोलते हैं डाईआर की द्वैध शासन प्रणाली ठीक है यूनानी शब्द डाईआर की से निकला है जिसको हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं इसका प्रारंभ हुआ और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कई बार कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली कौन से अधिनियम से प्रारंभ हुई तो आपको इस एक्ट का नाम लिख देना है ये एक स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर वाले जो हैं वो लिख लेना है ठीक है इसको कम महत्व कर लेना है ये मैं आपके लिए बना करके ले आया हूं और इसको देख लीजिए इधर ये मेरे को एक पिक्चर मिली थी तो इंटरनेट से मैंने आपको करने के लिए बन ले को ताकि समझ लीजिएगा शासन के केंद्र और प्रांत दो अलग अलग केंद्र में जो है वो वहां की व्यवस्था प्रांत की व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया गया ठीक है किस विषय में, में आरक्षित विषय में कौन कार्यकारी परिषद हस्तांतरित विषय में कौन जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होते हैं वो इस पे कानून बनाते थे लेकिन इन दोनों के ही ऊपर हेड कौन होता था गवर्नर चलती किसकी थी गवर्नर अपनी ही मर्जी से ये चीजें कर सकता था तो ये एक यहाँ पर प्रावधान प्रावधान वर्तमान में आप जो भारत की लोकसभा और राज्यसभा देखते ना जो बाई कैमरलिज जिसको हम बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था वो व्यवस्था यहां से प्रारंभ की गई पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इन दोनों चीजों को यहां पर प्रारंभ किया गया इससे पहले भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता था और दो सदन नहीं होते थे ठीक है तो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा इनका गठन जो है यहां पर देखने को मिलता है तो कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि, कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई और आपको विकल्प दे दिया जाए ए 1853 का एक्ट बी 1819 का एक्ट सी 1835 का एक्ट, डी 1861 का एक्ट तो क्या आंसर लेंगे? बताइए। आप में से कौन-कौन क्या क्या आंसर देंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहां पर कमेंट बॉक्स में आंसर देने की बजाय सचिन शर्मा लिख रहे हैं बोझ दिल का खुद ही ढोना पड़ेगा किताबों की महफिल में खोना पड़ेगा थोड़ा और समझदार होने के लिए मुझे थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा और उसके पीछे नाम भी लिखा है सचिन शर्मा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो ये चीजें चल रही आंसर देने की बजाय इन चीजों के ऊपर यहां पर लोग लगे हुए तो क्या आंसर आएगा इसमें मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूजन रहेंगे ध्यान रखिएगा संसदीय प्रणाली जो है वो अठारह के अधिनियम के बाद से प्रारंभ हो गई थी जब विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों में अलगाव किया गया था और केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी याद कीजिए एक्ट पढ़ाया था उन्नीस के एक्ट से प्रारंभ हुआ व्यवस्था लोकसभा ये प्रारंभ हुई संसदीय व्यवस्था तो चलती आ रही थी ठीक है लेकिन यहां पर दो सदन की व्यवस्था जो है वो यहां पर प्रारंभ हुई तो ये चीज ध्यान रखना है और जो लोग क्लास में जिंदा थे जीवित थे वो लोग सही तरीके से आंसर दिए जो जीवित नहीं थे वो सब लोग हक्के बक्के रह गए जिन्होंने नहीं देखा पुराना जाकर के चैप्टर जरूर देख लेना और लाइक से रुकने नीचे यार लाइक आप लोगों ने रोक बंद कर पता नहीं क्यों पीडीएफ दे दूंगा बच्चे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम का नाम है ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल फिर से बोलता हूं अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल मेरी टीम यहां पर कमेंट भी कर रही है वो आपको लिंक और नाम वगैरह दे देगा दे देंगे उनसे ले लीजिएगा ठीक है उसके ऊपर सेम नाम से आपको मिलेगा वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो ये हुआ भाई द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था अब एक बार फिर से आते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करोगी नीति ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो अच्छी अच्छी चीजें थी जो भारतीयों के लिए बेटर होगी लेकिन हम आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि अंग्रेज लोग कुछ कानून बना रहे हैं और वो भारतीयों की पूरी भलाई चाहते हो ऐसा तो था नहीं अंग्रेजों ने एक चीज और महसूस की उन्होंने महसूस किया कि भाई भारत के अंदर केवल हिंदू मुस्लिम ही दो समुदाय नहीं है भाई भारत के अंदर तो सिख भी हैं ईसाई भी हैं, एंग्लो इंडियंस भी हैं तो क्यों ना हम भारत के अंदर और ज्यादा फूट के बीज बोदें और और ज्यादा फूट के बीज तब बोए जाएंगे जब ये सारे समुदाय भी अपनी विशिष्ट पहचान के लिए संघर्ष करने लग जाएं, अपने आप को बिल्कुल अलग समझने लग जाएं, भारतीय से पहले अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी इस तरीके के धार्मिक आधार पर पहचानने लग जाएं तो इन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए आगे बढ़ाते हुए सांप्रदायिक आधार पर सिख भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया यानी कि अब भारतीय ईसाई केवल भारतीय ईसाई को चुनेंगे सिख केवल सिख को चुनेंगे ठीक है यूरोपियन केवल यूरोपियन को चुनेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से ताकि भारतीयों में एकता की अनुभूति आए ना सब एक दूसरे से अलग अलग समुदायों में आपस में ही डिवाइड हो जाए यह इसने किया संपत्ति कर और शिक्षा इन तीन के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया बहुत कम लोगों को वोटिंग का अधिकार था उस टाइम ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि 18 वर्ष के हुए वोटर लिस्ट में नाम डलवाया और आप जाकर के वोट डाल करके आ गए चाहे आप किसी जाति धर्म भाषा लिंग क्षेत्र से हो कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय होने के नाते नागरिक होने के नाते वोट देने का अधिकार मिल जाएगा है ना आपको सार्वभौमिक वैस्क मताधिकार उस समय नहीं था कुछ ही लोगों के पास जिसके पास प्रॉपर्टी थी संपत्ति थी जो मोटा टैक्स देता था राजा महाराजा टाइप के या जो बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर वकील उस तरीके के बहुत बड़े प्रख्यात थे उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया कि भाई केवल तुम ही लोग वोट डाल सकते हो और इस चीज को लेकर के महात्मा गांधी ने बाद में बहुत आवाज भी उठाई थी और अपने एक लेख में उन्होंने लिखा भी था इस चीज को लेकर के टी की पुस्तक में उनका एक लेख दिया गया है उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता जिसमें केवल संपत्ति कर या शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को ही वोट दिया देने का अधिकार है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है संपत्ति है लेकिन वो भ्रष्ट है दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब है मेहनत करके मजदूरी करके काम करता है ईमानदार है तो इसमें मैं उस ईमानदार व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा वो ईमानदार व्यक्ति वो अधिक नैतिक रहेगा उसका अधिकार उस भ्रष्ट व्यक्ति से कहीं अधिक रहेगा तो वोट देने का अधिकार जो है इन आधार पर ना होकर के भारतीय नागरिक होने के ना, आ, नाते दिया जाए ये आवाज बाद में उठी थी लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कुछ बेसिक चीजों पर भारतीयों को चलो एक शुरुआत हुई दिया गया एकदम से सारे बदलाव तो आते नहीं ना आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं तो एक प्रारंभ हुआ एक शुरुआत हुई कि चलो ठीक है भाई इन इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए तो थोड़ा सा वोट देने की परसेंटेज जो है बढ़ गई अब इन्होंने आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया ठीक है आप लोगों के लिए क्या अच्छा काम किया आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं चाहता हूं मेरे सारे दोस्त जो कमेंट बॉक्स में यहां पर बने हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या बनना चाहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं कोई तो बताएगा आप क्या बनना चाहते हैं पीडीएफ के लिए मेरी टीम यहां पर आपसे संपर्क कर रही है उनको मैसेज कर देना वो पीडीएफ भेज देंगे आपको अच्छा कुछ बोल रहे हैं आईपीएस कुछ आई बन रहे हैं ठीक है कोई यूपीएससी बन रहे, कोई सिविल सर्वेंट लिखा किसी ने ठीक है बेसिकली सब लोग मैक्सिमम आई आईपीएस लिख रहे हैं अच्छा कुछ कह रहे हैं यूजीसी नेट हाँ सचिन पहचान गया मैं तेरे यूजीसी नेट डायलॉग मारा तूने ना <laughs> कोई कह रहे बाबू बनना है बाबू तो बन ही जाओगे तुम अभी भी हो गए किसी ना किसी के बाबू तो वो तो तुम चलते आयो है ना बचपन में माता पिता के बाबू होते हो उनके प्यारे होते हो फिर थोड़े बड़े होते हो तो फिर तुम अपनी पसंद के किसी के लोगों के बाबू बनते हो है ना ये सारी चीजें तो आपको बनना ही है पति पत्नी ये सब तो बनते रहोगे बेसिकली नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप लोग मैक्सिमम लोग आईएएस आईपीएस आईएफएस बनना चाहते हैं मैक्सिमम ने इस तरीके का कमेंट यहां पर दिया IES, IPS, IFS, इन सब के लिए आप किसका एग्जाम देते हैं आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं यूपीएससी सीएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता कराता है है सिविल सेवा का एग्जाम कौन कंडक्ट किसके माध्यम से देते यूपीएससी के माध्यम से देते हो तो तो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से देते हो तो संघ लोक सेवा आयोग का एक छोटा सा इतिहास यहां से शुरू हो जाता है उसकी बुनियाद यहां पर पड़ जाती है हालांकि इस समय नाम अलग होता है संघ लोक सेवा आयोग नहीं होता है लेकिन नाम अलग रहता है क्या होता है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाता है ठीक है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सी यहां पर इसका नाम यूपीएससी नहीं है इसका नाम यूपीएससी कर किया जाता है 1935 के अधिनियम से 1935 के अधिनियम से यूपीएससी कर दिया जाता है नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन जो संस्था थी उस संस्था की स्थापना यहां पर हो जाती है केंद्रीय लोक सेवा आयोग और इसके लिए एक समिति की सिफारिशें भी थी ली समिति कहा जाता है आप लोग सर्च करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ली कमेटी कौन से वर्ष आई मैं आपको विकल्प भी दे देता हूं 1921 1922 1923 1924 सौ इनमें से कमेंट करके बताना है कि ली समिति कब बनाई गई कब उसने रिपोर्ट दी उसकी सिफारिश पर प्रक्रियाएं हुई 1926 में केंद्रीय लोक सेवाओं का गठन कर दिया जाता है एक और अच्छी चीज की जाती है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है इससे पहले सिंगल बजट होता था पूरे भारत के लिए सेम अब क्या कर दिया गया कि प्रांतों को कह दिया गया यार कि तुम अपना बजट खुद बनाओ तुम्हारे लिए पावर है केंद्र का बजट अलग बनेगा प्रांतों का बजट अलग बनेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया थी वो यहां से और ज्यादा मजबूत होती है जो भारतीयों को 1917 में उन्होंने संसद के अंदर वादा किया था कि भारतीयों को और प्रतिनिधित्व देंगे और अधिक जिम्मेदार सरकार बनाएंगे तो जिम्मेदार सरकार के लिए यह कदम बढ़ाया गया ताकि उनको अनुभूति रहे भारतीयों को कि हाँ भाई हम वास्तव में काम कर रहे हैं बजट बनाने की जो है ना वित्त के ऊपर कंट्रोल देना ये एक बहुत बड़ी पावर होती है ये रही तो ये हुई यहां पर इसके बाद इस अधिनियम के अंदर और बाकी चीजें काम की नहीं थी इतनी ही चीजें काम की थी जो पॉलिटी में काम आ सकती हैं हां इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जैसे कि इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग की बात की गई साइमन आयोग उसके बाद आया इसकी समीक्षा को लेकर के ठीक है तो वो छोटी मोटी और दो तीन चीजें हैं सांप्रदायिक अवार्ड व्यवस्था वो सब इतिहास के लिए ठीक है आधुनिक भारत के लिए पोलिटी के लिए उनका इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है पोलिटी के लिए जो इंपोर्टेंट चीज है वो 1935 सौ के अधिनियम है 1935 के अधिनियम पर आ जाते हैं तो 1935 के अधिनियम तक आप में से जो जो लोग जीवित हैं जिंदा हैं वो हाउस द जोश का आंसर देंगे हाउस द जोस आंसर आना चाहिए हाई तर जिंदा है तो हाउस द जोस का आंसर दो देखिए आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर दिया मैंने इस बुक के अंदर ये इतनी मोटी बुक है ठीक है इतनी सारी चीजें हैं मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर करवा दे रहा हूं वो आपके नोट्स हैं बने बनाए नोट्स जब आप सारे नोट्स बना लोगे ना तो इतनी मोटी की बजाय केवल इतने पेजेस में आपके सारे नोट्स रेडी हो जाएंगे आपके लिए रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा ईमानदारी से बस क्लास देखना क्लास जरूर देख लेना ईमानदारी से दो बार एक से दो बार अगर क्लासेस देख लोगे तो मेरी सियोरिटी है मेरी गारंटी है कि पॉलिटी में एक भी सवाल मिस नहीं होगा कोई भी सवाल अगर मिस हो जाए तो मेरे को आकर के पकड़ लेना कि सर हमने आपकी क्लास दो बार पढ़ी थी आपके नोट्स भी पढ़े थे और फिर भी हमारा सवाल नहीं बना तो मैं जिम्मेदार हूं लेकिन दो बार ईमानदारी से देखना होगा क्लास को ठीक है और नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा वहां से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ठीक है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ठीक है इस चीज को करिएगा उस उसमें सारे पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे जिन्होंने देखिए जिन लोगों ने नई बुक नहीं ली है अगर आपका बजट नहीं है नई बुक लेने का क्योंकि 600 सौ रुपए की बुक आती है तो आप चिंता मत करना जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट कराता चला जाऊंगा पीडीएफ जिस तरीके से आप यहां पर स्क्रीन पर देखा ना आपने पीडीएफ है ये सारी देखिए हिंदी इंग्लिश एक साथ ये पीडीएफ चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में डाल दूंगा लेकिन चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं होता है अगर दो पार्ट में आता है तो जब दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा तभी डलेगा

महत्व रखता है बहुत बड़ा अधिनियम था बहुत भारी भरकम किस्म का अधिनियम था इतनी सारी इसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें शामिल की गई थी पिछले पिछले जितने भी अधिनियम थे उन सभी अधिनियमों की बहुत मैक्सिमम चीजों को इसमें शामिल कर लिया गया था और बहुत ही बड़ा एकदम लंबा चौड़ा बना करके इसको पेश किया गया ये एक भारतीय भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ मील का पत्थर बोलते हैं ना आपने नाम सुने मील का पत्थर जानते हैं माइल जिससे आप पहचान करते हैं कि हाँ भैया इसके बाद ये चीज आने वाली जैसे आप रोड पर जाते हैं रोड के ऊपर लगा रहता है ना कि फलाना फलाना जगह इतनी दूर है जैसे मैं नारनोल हूं हरियाणा का हूं मैं अपने शहर मेरा गांव है नांग तिहाड़ी नाम से तो मान लो मैं मेरे गांव जा रहा हूं नांगतिहाड़ी तो वहां तक जाने के लिए बीच बीच में लिखा रहता है ना मेरा शहर है नारनोल तो उसमें बीच बीच में लिखा रहता है कि हाँ भाई हम नारनोल सो दो सौ किलोमीटर अब सौ किलोमीटर अब डेढ़ सौ किलोमीटर माइल स्टोन हो तो उससे पता चल जाता है कि यार ये वाला एरिया कौन आगे कौन सा एरिया आएगा पीछे कौन सा चला गया है ना तो ऐसे ही ये एक मील का पत्थर था भारतीय शासन व्यवस्था के लिए इसने बहुत बड़ा बदलाव किया और इसमें कुछ चीजें थी क्या चीजें थी सबसे पहले कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया इससे पहले भारत में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं की गई थी इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन की बात नहीं की गई थी केवल केंद्र केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य प्रांत की बात करते थे उसमें भी केंद्र को ही रखा जाता था सेंटर पूरा पूरा का पावरफुल लेकिन यहां पर फेडरेशन संघ की बात की गई तो भारत की जो संघवादी व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रूप से लागू करने की कोशिश 1935 के अधिनियम से की गई फेडरल स्ट्रक्चर को लागू करने की कोशिश की गई अब इसमें जो देशी रियासतें थी उनको भी प्रतिनिधित्व देने की बात की गई लेकिन लेकिन इस चीज में क्या हुआ इस चीज को समझिए इसमें एक इशू आ जाता है इशू क्या आता है बड़े ध्यान से समझता है इसने क्या किया? इसने कहा कि अब हम पूरे भारत को अनेक स्ट्रक्चर में डालते हैं ठीक है और उस स्ट्रक्चर के लिए प्रांत रियासत इन सब का एकजुट होना जरूरी है इसने कहा कि भाई जो भी भारत के प्रांत ब्रिटिश भारतीय प्रांत है वो और कुछ देसी रियासतें जो इस संघ में शामिल होने के लिए उस समय सहमत थी इन सबको मिलाकर के हम भारतीय संघ बना रहे हैं लेकिन इसके अलावा जो बाकी की देसी रियासतें हैं उनको भी इसमें शामिल करने के लिए कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी जो जो रियासतें हैं वो भी यहां पर शामिल हो सकते हैं लेकिन यह उनकी इच्छा पर निर्भर था कि भाई वो सहमति दें कि ना दे इनको शामिल होने के लिए एक प्रवेश आलेख उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन विलय पत्र विलय पत्र का जिक्र आप बहुत सुनते हैं जब जम्मू कश्मीर का मामला आता है आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के विलय की जब हम बात करते हैं देसी रियासतों के विलय की बात करते हैं वो विलय पत्र यहां से प्रारंभ हो जाता है अधिनियम में कहा जाता है कि एक विलय पत्र पर देसी रियासत का जो शासक है वो साइन करेगा हस्ताक्षर करके वो अनुमति देगा कि भाई मैं केंद्र सरकार के अधीन रहूंगा अब इसके अंतर्गत काम करूंगा लेकिन आप सोचो राजा महाराज दीराज नवाब इस तरीके के लोग जो खुद अपने आप को भगवान के जैसा समझते थे दूसरे लोगों को दे मतलब अपने इक्वल बराबर तक नहीं समझते थे वो कहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करेंगे उनके साथ काम करेंगे कहां वो अपनी सत्ता को गंवाएंगे अपनी सत्ता थोड़ी कोई छोड़ेगा वो तो अपनी सत्ता बनाए रखेगा तो शासकों ने जो यहाँ के जो देशी रियासतों के शासक और कुछ प्रांतों के भी प्रांतों ने भी इसमें शामिल होने के लिए सहमति नहीं दी देशी रियासतों को शासकों ने तो बिल्कुल ही नहीं दी बहुत सारे ने तो ऐसे में भारत की जो संघ बनाने की जो ये कोशिश की गई थी अखिल भारतीय संघ ये सफल नहीं हो पाई ये असफल हो गई ठीक है ये एक कोशिश की गई भारतीय संघीय व्यवस्था लाने की लेकिन ये बनी नहीं अब आप कहोगे सर बनी नहीं तो इसका फायदा यहां पर पढ़ क्यों रहे पढ़ इसलिए रहे मेरे दोस्त क्योंकि उन्नीस में जब आजाद होते हैं और जो भारत का संविधान जो उस टाइम बनाया जा रहा होता है जो भारत का संविधान बनता है उस संविधान में मैक्सिमम प्रावधान मैक्सिमम चीजें इसी अधिनियम से उठाए गए थे और जो संघीय व्यवस्था के कुछ गिने चुनी चीजें थी कुछ अच्छी चीजें थी वो यहीं से ही एक्सट्रैक्ट की गई थी ठीक है हालांकि लिया इंस्पायर हम कनाडा से हुए थे ठीक है कनाडा की व्यवस्था को हमने अपनाया था संघीय व्यवस्था को लेकिन एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक शुरुआत के रूप में यहां पर चीजें हो चुकी थी संघीय व्यवस्था को प्रारंभ करने की तो पहली चीज एक दूसरी चीज हुई जिसने भारतीय संविधान ने आ, बाद में भी अपनाया गया भारतीय संविधान सभा ने उसको अपनाया क्या किया गया इसने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची इनके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया और ये शक्तियां ये सूचियां आप आज भी देखते हैं ठीक है आज भी वर्तमान में है कि नहीं संघ सूची है ना भाई यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट है ऐसे ही उस टाइम भी इन्होंने यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट तीन लिस्ट बना करके दे दी अब जो बहुत पूरे सार्वजनिक पूरे देश के सार्वजनिक महत्व के मामले थे अगर जैसे कि हम बात करते हैं आ, जिनमें एक रूपता होने की आवश्यकता है ठीक है जैसे दंड दंड विधि है ना दंड संहिता दीवानी प्रक्रिया संहिता विवाह विधि पंच निर्णय ठीक इस तरीके के मामले इनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो संघ सूची के विषयों पर केवल संघ कानून बना सकता था केंद्रीय विधानमंडल कानून बना सकता था राज्य सूची के विषय पर जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनको कानूनी कानून बनाने की शक्ति दी गई संवर्ती सूची जो है उसके ऊपर केंद्र और प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया अब मुद्दा आ जाता है कि ये ये सूचियां तो तो हैं इन सूचियों में जो इन्होंने विषय 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 डाल दिए और ये तो पहचान लिए लेकिन क्या हो जब कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों सूचियों में नहीं है ऐसे विषय आ सकते हैं क्योंकि पहली बार इस तरीके का विभाजन इस तरीके से बनाया गया था तो उस समय हो सकता है कुछ विषय छूट गए हो कुछ मामले छूट गए हो जिनके ऊपर कानून बनाना पड़े तो ऐसे मामलों पर कौन कानून बनाएगा तो इसको बोला गया शक्तियों की पावर आएंगी उसके टाइम में, में देखोगे तो वर्तमान में ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होती है ठीक है तो ये यहां से एक ढांचा जो है निकल करके सामने आता है हालांकि ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया ठीक है क्योंकि देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था जैसे ये बच्चा यहाँ पर फोटो में लगा करके लाया इस बच्चे का फोटो का मतलब यही था कि ये इसको इमेजिन करो कि देसी रियासतों का कोई राजा महाराजा है और वो मना कर रहा है कि नहीं बिल्कुल मना जैसे आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं ना किसी चीज के लिए मेहनत करने के लिए पूछ लेते हैं कि हाँ भाई बच्चों थोड़ा मेहनत और करोगे थोड़ा और पढ़ाई करोगे थोड़ा और क्लास लोगे थोड़ा और टेस्ट दोगे ना तो बहुत सारे नहीं सर नहीं और नहीं हो सकता सर अब लेकिन वही पूछ ले सर कि हाँ बच्चों आपस में चैटिंग करोगे बातचीत करोगे सोना बाबू करोगे हैं मोहब्बत बढ़ाओगे तो सारे खुद सर ये तो सर हम बचपन से करते आए है ना तो वो पिक्चर इसीलिए डाली थी हम लोगों ने कि ये अस्तित्व में नहीं आए क्योंकि देसी रियासतों ने मना किया इस पिक्चर के सारे आप देसी रियासतों को कनेक्ट करके कर सकते हैं ठीक है अब एक चीज ये हुई कि इसने केंद्र के अंदर द्वैध प्रणाली का आरंभ किया 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की थी और स्थानांतरित इसमें डाला गया हस्तांतरित और आरक्षित एवं स्थानांतरित इसमें ऐड किया गया यह मैं बता चुका हूं यह प्रावधान भी लागू नहीं हुआ ठीक है लेकिन यहां से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की का प्रारंभ कौन से अधिनियम से या केंद्र में द्वैध प्रणाली की व्यवस्था कौन से अधिनियम से लाई गई थी तो आपको एक्ट याद रहना चाहिए ठीक है अब एक और चीज बड़ी हुई बड़ा यह हुआ कि इस एक्ट ने भारत के अंदर मताधिकार या निर्वाचन के अंदर जो प्रतिनिधित्व था उस प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा और विस्तार प्रदान किया किस तरीके से विस्तार प्रदान किया समझिए इसने दलित जातियों महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया 1909 के अंदर जो सांप्रदायिक व्यवस्था इन्होंने बनाई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था अपनाई उसका ये इस समय चरम स्तर था तो यहां तक आते-आते उन्होंने और ज्यादा डाइवर्सिटी को क्लासिफाइड कर दिया सबको हालांकि इसका फायदा ये हुआ कि भारत के अंदर भेदभाव की जो समस्या थी जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहे थे वो अधिकार मिलने प्रारंभ हुए तो कुछ अच्छी चीजें भी हुई एक मिनट दीजिए पानी पी लो साइड में जाकर के <coughs> लाइक like शेयर करते रहो यार लाइक like शेयर नहीं रुकना चाहिए जिंदा है तो हाउस द जोश का आंसर दे दीजिए सब लोग हाउस कैसा है द जोश आंसर आना चाहिए सर और लाइक like शेयर मत रोको यार लाइक like शेयर तो करते चले जाओ लाइक like शेयर करने में क्यों इतनी कंजूसी कर दो कहा कंजूसी कर दो यार हम लोग यहां पर आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग लाइक like शेयर करने में भी कंजूसी कर रहे हैं खुश होकर के दिलदार की तरह लाइक शेयर करा करो कमेंट करके बताया करो बाद में कि कैसी लगी क्लास सवाल जो पूछे उन सवालों में का आंसर भी दिया करो ये हुआ अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी यहां से की गई जो आरबीआई जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई तो ये भी सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे तो एक भारत के बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था उसकी स्थापना आपको यहां पर देखने को मिलती है ठीक है अभी 1926 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1926 के अंदर क्या बनाया गया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी इसका नाम चेंज कर दिया जाता है 1935 के अंदर और इसको बना दिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग अब केवल नाम ही चेंज नहीं किया जाता नाम चेंज करने के साथ साथ इसके संगठन इसके संरचना में भी बदलाव किया जाता है संरचना वैसी है जैसे आज के समय में है वर्तमान में जो यूपीएससी का ढांचा देखते हो उसकी बुनियाद उसका प्रारंभ जो है वो 1935 के अधिनियम में हो गया था इसने क्या किया कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की ठीक है और इसके सा साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग इसकी प्रारंभ की गई जब भारत आजाद हुआ भारत का संविधान बना तो जो यूपीएससी है संघीय लोक सेवा पूरे भारत के लिए वो रहा प्रांतीय लोक सेवा आयोग को राज्य लोक सेवा आयोग कर दिया गया स्टेट तो, पब्लिक सर्विस कमीशन और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए इसका प्रावधान कर दिया गया तो वर्तमान में भारत के संविधान में जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से ही हमने फॉलो किया देखिए आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नांकित में से किसने डाला और उसमें आपको विकल्प दे दिया जाए इंग्लैंड के संविधान ने दूसरा दे दिया जाए 1935 के अधिनियम ने तीसरा दे दिया जाए 1919 के अधिनियम ने चौथा दे दिया जाए अमेरिका के संविधान ने और इससे आपको टिक लगाने के लिए बोला जाए तो इसमें आप टिक लगाएंगे 1935 के अधिनियम पे क्यों क्योंकि भारत का जो संविधान बनाया गया उसका मूलभूत स्ट्रक्चर देखोगे तो 1935 से ही लिया 1935 से बहुत सारी चीजों को हमने भारत के संविधान में डाला हमारा भारत का संविधान बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए भी बना क्योंकि उन्नीस का अधिनियम बहुत बड़ा था तो ये जो यूपीएससी का जो राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान देखते हैं वो यहीं से आया उन्नीस से ही हमने लिया तो आप लोगों के लिए और नौकरी के अवसर खुल गए इससे पहले केवल केंद्रीय लोक सेवा आयोग से सेंटर के लेवल पर होता था अब इन्होंने क्या कर दिया राज्य के स्तर पर भी आपको नौकरी का जुगाड़ कर दिया कि हां राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए उनकी भी लोक सेवाएं क्या यह करवाएगा ठीक है यह चीज है तो यह एक प्रावधान हुआ वर्तमान समय में संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं संविधान में उनके निर्माण की बात की गई है संघ संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए संसद को शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है यानी कि वो स्टेच्यूटरी बॉडी कहलाएगा वो संवैधानिक नहीं कहलाएगा वो संविधिक कहलाएगा क्योंकि संसद बनाएगा संविधान केवल इन दोनों को संवैधानिक रूप से बाध्यता बनाता है कि हाँ भाई ये बाध्य है ये बनाने ठीक है।, है ये चीज रहे चलिए उन्नीस में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ये एक और नया जो है डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलता है अब आप में से इसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट अब मैक्सिमम बहुत सारे लोग इसको सुप्रीम कोर्ट समझ लेते हैं इस चीज को समझना ये भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था ये फेडरल कोर्ट था संघ न्यायालय संघीय न्यायालय था क्या क्या चीजें थी इसके अंदर समझिए देखिए 1935 का अधिनियम लाया गया बहुत भारी भरकम था अंग्रेजों को पता था ब्रिटिशर्स को पता था कि यार 1935 के जो प्रावधान है इनके ऊपर विवाद उठेगा संघ और संघ के अंदर शामिल होने वाली जो इकाइयां हैं उनके बीच संवैधानिक विवाद उठेंगे इन विवादों को निपटाएगा कौन इन विवादों को निपटाने के लिए एक फेडरल कोर्ट की आवश्यकता है एक फेडरल न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है तो उन्होंने एक संघीय न्यायालय स्थापित किया दिल्ली में स्थापित किया कहां पर दिल्ली में और इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक सात अवर न्यायाधीश हो सकते थे ठीक है इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था इनकी नियुक्ति करता था सम्राट नियुक्ति कौन करेगा सम्राट वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति इनकी उम्र कितनी रखी गई पैंसठ वर्ष कहा इनकी उम्र कितनी रखी गई कि भाई 65 वर्ष की उम्र तक ये काम कर सकते हैं ठीक है थीके? फेडरल न्यायालय के लिए आवश्यक योग्यताएं थे उनका भी उल्लेख किया गया था इस फेडरल न्यायालय को मुख्य रूप से तीन प्रकार की अधिकारिताएं दी गई थी तीन प्रकार की अधिकारिताएं कौन-कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूं मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहां पर सारा तीन प्रकार की अधिकारिताएं थी फेडरल कोर्टों को, पहली जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता मूल क्षेत्राधिकार जिसको बोलते हैं ओरिजिनल जिसको बोलते हैं दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी कि जो नीचे के जो मामले थे उनको अपील के माध्यम से यहां पर ले आया जाए और एक परामर्शदात्री त्रि क्षेत्राधिकार एडवाइजरी वर्तमान में भी देखोगे तो भारत के जितने भी कोर्ट हैं उनको इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस तरीके की शक्तियां दी जाती हैं तो हमने ये प्रोविजन एक्सट्रैक्ट किए वहां से फेडरल न्यायालय कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था इस चीज को समझिए ठीक है उसकी सबसे बड़ी त्रुटि ये थी कि इस न्यायालय के जो निर्णय थे इनके विरुद्ध आप प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे सोचो प्रीवी काउंसिल में अपील करते वो इनके फैसलों को पलट सकती थी तो फिर कहा का हुआ? तो एक तरीके से हाईकोर्ट जैसी पावर थी ठीक है भारत का उच्च न्यायालय ये हम इसको एक अर्थ में कह सकते हैं प्रीवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील कर सकते थे बिना किसी प्रमाण पत्र के बिना किसी प्रमाण पत्र के भी आप इसके खिलाफ अपील कर सकते थे ठीक है और यह न्यायालय केवल और केवल जो संवैधानिक उपबंध है जो उस समय के उपबंध एक्ट के माध्यम से किए गए थे केवल उनसे संबंधित विवादों का ही निर्णय कर सकता था सिविल और आपराधिक मामलों का निर्णय नहीं कर सकता था सिविल और आपराधिक मामले जो थे वो प्रीवी काउंसिल के पास ही जाते थे तो ऐसे में आप कैसे कहोगे कि भी कोई बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ये सुप्रीम कोर्ट था ध्यान रखिएगा नहीं है ठीक है सुप्रीम कोर्ट नहीं है फेडरल कोर्ट था संघ न्यायालय था एक तरीके से हाई कोर्ट के जैसे इक्वल इसकी चीजें थी इससे भी ऊपर उन्होंने प्रीवी काउंसिल को पावर दे रखी थी ठीक है तो ये चीज यहां पर रही सकती भी नहीं थी सिविल और आपराधिक मामले प्रीवी काउंसिल के पास थे फेडरल कोर्ट के पास नहीं थे लेकिन एक ढांचा तो चलो इन्होंने शुरू किया इससे ये है एक संघीय न्यायालय बनाया गया तो जिसका फायदा जिसको बाद में हमने 19 जब हम हमारा संविधान बना तो उसमें हमने यहां से कई सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जैसे इनकी अधिकारिताएं प्रारंभिक अपील परामर्शदात्री आज भी है जैसे आज के टाइम में भी प्रारंभिक अधिकारिता देखते हैं ना मौलिक अधिकार अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो जा सकते हो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो आर्टिकल थर्टी टू के साथ है ना तो ये क्या हो गया ये है, इनकी मूल क्षेत्र अधिकार है ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन है सीधे आप चले जाओ इनमें अपीली अधिकारिता ये है कि जैसे कि मामलो कि कोई निचला कोर्ट है निचले कोर्ट में आपने कोई मुकदमा लड़ा आप हार गए आप उसके खिलाफ फिर उससे ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर रहे हैं है ना तो वो अपील अधिकारिता के अंदर आ जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से तो ये यहां पर एक व्यवस्था थी ठीक अब इसके बाद एक और चीज आते हैं 1947 के अधिनियम। अब 1947 के के अधिनियम अधिनियम अब पर जाने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूं इस दौरान 1935 के अधिनियम आने के बाद 1935 का अधिनियम का पूरा विरोध हुआ भारत के अंदर एकजुट होकर के बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया तो इसको इतना ज्यादा यूजफुल उस समय नहीं हो पाया इसी बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कई सारी घटनाएं घटने लगी उन घटनाओं तक जाने से पहले आप लोगों में से एक बार फिर से मेरे को पूछना पड़ेगा कि कौन लोग जिंदा हैं कौन लोग अभी सो गए हैं जिंदा हैं कि नहीं हाउस द जोश अगर लोग जो जिंदा हैं वो हाउस द जोश का आंसर देंगे हाई सर हाउस द जोश पीडीएफ मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल पर है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल उस पर पीडीएफ है वहां पर ले सकते हैं अन अकेडमी का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एल वाई एल आई वी ई तो आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा और मेरे पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचर की पर्सनल गाइडेंस मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं वन ऑन वन गाइड करता हूं तो अगर आप चाहते हैं कि टीचर से गाइडेंस ले बिना मैनेजर असिस्टेंट के तो ये रेफरल कोड लगाना अन का कोर्स जब भी ज्वाइन करें कहीं से भी आपके पास कॉल आए उनको बोलना कि इसी कोड से ही एडमिशन लेना है मेरे से बात कर लेना है पहले बात करके लेना है तो आपको कम प्रॉपर गाइड करेंगे एग्जाम पास होने तक गाइडेंस से बड़ी चीज कुछ नहीं है चलिए अभी क्या होता है हिटलर का नाम सुना आपने हिटलर हिटलर जर्मनी का नाम भी आपने सुना होगा मुसोलोनी इनका नाम आपने सुना होगा इटली इसका नाम भी आपने सुना होगा जापान का नाम भी आपने सुना होगा 1930 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल हुई जर्मनी इटली जापान ये बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर के उभरने वाले देश रहे और इसमें तानाशाही की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा थी फिर चाहे वो मुसोलिनी ले लो या चाहे हिटलर ले लो ठीक है हिटलर उनकी एक्टिंग आज के टाइम में भी आप देखते हो हमारे असरानी करते हैं जेलर बन करके आपने उनकी एक मूवी देखी होगी सोले मूवी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की मूवी हेमा मालिनी वाली जय वीरू वाली उसमें वो एक्टिंग करके बता रहे होते ना हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर है आहा? तो वो हिटलर की ही एक एक्टिंग करके वहां पर दिखा रहे होते हैं इस समय 1939 में क्या होता है उन्नीस के अंदर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो यहां पर प्रारंभ हो जाता है और इस दूसरे विश्व युद्ध में दो गुट बने जाते हैं एक गुट जिसमें अमेरिका और उसका सहयोगी ब्रिटेन भी बनता है सोवियत संघ भी होता है ठीक है दूसरा गुट जो है वो इटली जर्मनी जापान इनका गुट होता है तो इनके बीच में और इनके और भी अलाइज होते हैं और भी कंट्री सहयोगी दोस्त होते इनके अपने अपने वो इस युद्ध में शामिल होते हैं अमेरिका के ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं उनके संघ उसमें उनको मैं आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें मैं आपको समझाता हूं तो उसमें आप देख लेना अभी यहां पर समझ लीजिए कि ब्रिटेन इस युद्ध में अमेरिका का सहयोगी था ठीक है और इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया ब्रिटिश भारत को इसने इस युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी ब्रिटेन अपने आप शामिल शामिल हुआ हुआ वो तो तो ठीक है 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 लेकिन जो ब्रिटिश भारत है, उसमें रहने वाले लोग तो भारतीय ना उनको तुम जबरदस्ती किसी युद्ध में कैसे झोंक सकते हो भाई अपनी मर्जी से तुम यहां के सत्ता कब्जा कर रखा है लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि तुम भारतीयों को युद्ध में कोदोगे उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा हमारी तरफ से और उसने यह काम भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना किया भारतीयों से नहीं पूछा कांग्रेस ने और वहां के भारत के और भी सर बड़े सार कई सारे नेताओं ने इस युद्ध के खिलाफ इस युद्ध में भारतीयों को शामिल किए जाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार जब तक ये सार्वजनिक घोषणा ना कर दे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आजादी दी जाएगी तब तक भारत युद्ध में सहयोग नहीं करेगा अब यहां पर भारतीयों को एक अवसर दिखा अब यहां पर भारतीय लोगों ने भारतीय नेताओं ने इतिहास की गलतियों से सबक लिया इतिहास की गलतियां क्या थी 1914 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भी तो ब्रिटेन शामिल था उस युद्ध में भी तो ब्रिटेन कमजोर हुआ था लेकिन उस समय हम इतने अधिक सक्षम नहीं थे इतने अधिक सक्रिय नहीं थे कि एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ उस समय उस युद्ध के दौरान हम इनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दे लेकिन तो अगर वो होता तो हो सकता है हम उसी समय आजाद हो जाते लेकिन ये मौका उन्नीस में मिल गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया को यह समझ में आ गया कि भाई यही मौका है भारतीय नेताओं को समझ में आ गया कि यही सही मौका है लोहा गरम है हथौड़ा मार दो इसी समय प्रहार करो इसी समय अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हो लेकिन क्योंकि उस समय तुरंत युद्ध हो गया था और उस युद्ध में भारतीय लोगों को शामिल कर लिया था इन्होंने तो अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए भारतीय नेताओं ने इस तरीके का काम किया और उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि वो घोषणा करे कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आजादी दी जाएगी नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे नहीं तो युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे और अगर भारतीय लोग युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटेन की हालत बहुत पतली हो जाती है ब्रिटेन को इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा नुकसान हुआ था और उसको वो जो नुकसान उठाया था उसकी भरपाई वो भारतीयों को लूट करके करते थे भारतीय रिसोर्सेज को लूटा भारतीय लोगों की बड़ी संख्या में जान गई तो ऐसे में जब इस अवसर को भुनाने के लिए भारतीयों ने डिमांड की तो अंग्रेज लोग उस समय थोड़ा सा थर्राए और उन्होंने ये बात की कि ठीक है इस समय तुम हमारा साथ दो जब युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत की स्वतंत्रता की दिशा में कार्य करेंगे वहां पर भी पूर्ण रूप से गारंटी नहीं दी कि हम आजाद करेंगे लेकिन उन्होंने ये एक पब्लिकली इस घोषणा कर दी अनाउंस कर दिया कि ठीक है भारत इस युद्ध हो जाने के बाद हम भारतीयों के स्वतंत्रता की तरफ और कदम बढ़ाएंगे वो करेंगे युद्ध समाप्त होता है 1945 में अमेरिका दो एटम बम दो परमाणु बम गिराता है हीरोसिमा जापान के ऊपर और उसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो जाता है इसके ऊपर एटम बम को लेकर के एक नई मूवी आई आज आजकल शायद ओपन हाइमर नाम से एक मूवी आई है देखना गजब मूवी है दिमाग को हिला देने वाली मूवी है ठीक है तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है ब्रिटेन की हालत बहुत पतली हो जाती है हालांकि अमेरिका ब्रिटेन वाला गुट जीत जाता है लेकिन जीतने के बावजूद भी इनकी हालत बड़ी खस्ता हाल हो जाती है और अब ये महाशक्ति नहीं रहता महाशक्ति बनकर के निकल करके आते हैं कौन सोवियत संघ और अमेरिका ये दोनों सुपर पावर बन करके आते हैं और बाकी जितने भी देश थे जो इससे पहले सुपर पावर होते थे चाहे वो ब्रिटेन हो फ्रांस हो इटली हो जर्मनी हो जापान हो इन सबकी हालत बड़ी खराब हो गई थी जापान इटली जा, जापान इटली और जर्मनी तो हार गए थे युद्ध में उनकी हालत तो खराब होनी थी लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ये जीतने के बावजूद भी इनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी महाशक्ति से एक सामान्य शक्ति के रूप में ये आ गए और अब ये भारतीयों के विद्रोह को दबाने की कंडीशन में नहीं थे और भारत के अंदर भी महात्मा गांधी आंदोलन छेड़े हुए थे और हमारे जो क्रांतिकारी वो भी हिंसक आंदोलन छेड़े हुए थे तो अहिंसक और हिंसक दोनों तरीके के आंदोलन एक साथ चल रहे थे जहां पर जरूरत थी प्यार मोहब्बत से वहां पर प्यार मोहब्बत से काम हो रहा था और जहां पर लगता था कि नहीं भाई गांधीवादी तरीका नहीं चलेगा तो वहां पर हमारे क्रांतिकारी सक्रिय रूप से काम भी कर रहे थे तो अंग्रेज लोग इस चीज से भी डरे हुए थे अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अब बहुत लंबे समय तक या कुछ और थोड़े टाइम तक हम भारतीयों पर शासन नहीं कर सकते और हमने इनसे वादा भी किया है और वो गाना भी है ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा अगर वादा नहीं निभाएंगे तो भारतीय लोग इस बार तो हमारे बड़ी बेइज्जती करके निकालेंगे और ये पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ब्रिटेन की इससे अधिक आत्मसम्मान की हानि नहीं हो पाएगी नहीं हो सकेगी कि एक अल्प विकसित एक गरीब राष्ट्र एक गुलाम राष्ट्र ने एक महाशक्ति उसको लात मार करके अपने देश से खदेड़ करके भगा दिया तो ये इस विचार में थे कि हाँ भाई अब ठीक है अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते भारत को आजादी देनी पड़ेगी अपनी मर्जी से तो नहीं देते लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि भाई देनी पड़ेगी कमजोर भी हो गए थे दूसरे विश्व युद्ध से और भारतीय जितने भी हमारे क्रांतिकारी और जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अंग्रेजों का यहां पर जीना हराम कर रखा था तो 1947 में 20 फरवरी को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है जिनकी फोटो आप यहां पर देखेंगे क्लीमेंट एटली इन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सत्ता उत्तरदाई भारतीय हाथों में हाथों में सौंप दी जाएगी चालाकी देखिए यहां पर चतुराई देखिए अभी भी सत्ता की लालसा गई नहीं है अभी भी 1948 तक जा रहे हैं कि 30 जून 1948 को सौंपेंगे डेढ़ साल बाद है ना लेकिन इस बार भारतीय लोग भारतीय नेता संभले हुए थे उनको पता था कि ऐसी चालों में नहीं आना कहते ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है कई बार होता है कि कहीं गर्म दूध आप पी लेते हैं या गर्म चाय पी लेते हैं आप और जब उसको पीने के बाद एकदम से पीते हैं गर्म गर्म से होट जल जाते हैं जीप जल जाते हैं तो फिर उसको होता है ना फूक मार मार करके फिर एक एक लेते हो तो ऐसे कई बार लस्सी जैसी चीज आ जाती है तो उसको भी देख कर कई बार ऐसा आभास होता है कि या कहीं गर्म दूध जैसा तो नहीं उसमें भी फिर फूक मारने लगाते हैं फिर पीते हैं इस बार हम पहले से सतर्क थे एहतियात बरत रहे थे और हमें पता था कि इस बार इनकी चालबाजी में नहीं आने क्योंकि अगर ये मामला 1948 तक गया तो अंग्रेज लोग फिर से मजबूत हो जाएंगे तब तक ये और कोई ना कोई रास्ता तलाश लेंगे ताकतवर होने का और कोई ना कोई, कोई रास्ता तलाश करके भारत के ऊपर अपनी जड़े और मजबूत कर लेंगे और फिर छोड़ करके नहीं जाएंगे तो हम लोग अड़ गए कि ना भाई ना हम 1948 तक का वेट नहीं करेंगे अभी दो आजादी आज ही चाहिए जो चाहिए तो चाहिए लेना है तो लेना हमारा हक अभी चाहिए साडा हक एथे रख आप लोगों को भी कई बार लगता है ना किसी चीज को लेकर के नहीं पसंद है तो पसंद है शादी करनी है तो करनी है यूपीएससी पास करना है तो पास करना है एग्जाम निकालना है तो निकालना है तैयारी करनी है तो करनी है आज ही से करनी है है ना? और जो लोग दूर तक का सोचते हैं लंबा कि यार अभी तो है ना ट्वेल्थ ही पास करिए तीन साल ग्रेजुएशन के पढ़े तो बड़ा बड़ी दया आती है ऐसे बच्चों के ऊपर मैं कई बार समझाता हूँ ऐसे बच्चों को कि भाई ऐसे मत करो तैयारी का सबसे अच्छा समय ग्यारहवीं क्लास होती है ग्यारह बारहवीं का टाइम और ग्रेजुएशन का टाइम गोल्डन पीरियड है यूपीएससी की तैयारी का पर फिर भी कई लोग पता नहीं क्या ही दिमाग उनको समझाने के बाद भी उनको अपने ही अलग दिमाग लगाए रखते अब ये तो फर्स्ट ईयर में आए हैं एक काम करते एक साल खुद से देख लेते ऐसे ही फिर एक साल के बाद देख ढंग से तैयारी करना शुरू करेंगे फिर कोचिंग जो इन करेंगे दूसरे साल से और दूसरे साल में सिलेबस खत्म कर लेंगे

छोटी छोटी उम्र में बाईस बाईस साल की उम्र में आई एस आई पी एस बनते हैं और रैंक वन टू थ्री लेकर के आते हैं वो कैसे ले आते हैं ऐसे थोड़ी ले आते ले आते आते हैं हैं वो इसलिए क्योंकि इलेवन ट्वेल्थ से पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के टाइम से पढ़ रहे हैं पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो जो पहले से ही तैयारी करता रहेगा तो रहे उसके पास ज्यादा समय रहेगा उसके ज्यादा चांस रहेंगे सक्सेसफुल होने के जो बाद के लिए छोड़ देगा ना कि यार एक साल बाद देखेंगे तो फिर एक साल बाद वो फिर से वही आएगा उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे फिर वो दस वर्षीय पंच वर्षीय योजना बनी रहती है फिर आप घूमते रहते हो फिर उसके बाद फिर आप अपने नए नए स्टार्टअप ओपन करते हो फिर इंजीनियर चाय वाला बनेंगे फिर आप फिर आप वहां पर है ना डॉक्टर चाय वाला बनेंगे फिर फिर वहां पर आप बीएससी चाय वाला बनेंगे है ना एम सी ए चायला बनेंगे इस तरीके के फिर अलग अलग आपको नए नए स्टार्टअप में घुसना पड़ता है कि वहां पर कहानियां सुनाएंगे कि भाई इंजीनियरिंग कर रखी थी बी कर रखी थी बी कर रखी थी एम कर रखी थी लेकिन यूपीएससी नहीं हो पाया तो हम चाय वाले बन फिर कहानी सुनाते हैं पर हम भी करते थे यूपीएससी की तैयारी कौन सी बुक पढ़ो ये वाली बुक लेकर के पढ़ो तो वैसा नहीं करना है ये चीज यहाँ पर इंडिया के नेता लोग समझ चुके थे उनको यह समझ में आ गया था कि नहीं मुंगेरी लाल वाले सपने नहीं बुनने की एक साल बाद लेंगे अभी करना है तो अभी चाहिए आजादी अभी

1947 को भारत को इनको आजाद करके भागना पड़ा ठीक है लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज भी 20 फरवरी 1947 को जब आजादी की घोषणा की बात कही गई क्लीमेंट एटली के द्वारा तो मुस्लिम लीग जो है वो एक अलग तरीके के आंदोलन पर छिड़ गए बोले कि भाई हमें भारत के साथ नहीं रहना हमें विभाजन चाहिए भारत पाकिस्तान दो देश बनाओ मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लोगों के बहुल्य वाले इलाकों को पाकिस्तान के रूप दर्जा दिया जाए और उसके लिए आंदोलन छेड़ दिया ठीक अब परिस्थितियां बड़ी विकट हो गई भारतीय लोगों के लिए भारतीय नेताओं के लिए भी विकट समस्या हो गई यार क्या करें मुस्लिम लीग की बात ना माने तो ये दूसरा आंदोलन छेड़ रखी है इसको ब्रिटिशर्स का भी समर्थन है तो हम आपस में उलझ जाएंगे जो आजादी इतने संघर्षों से इतने बलिदानों से मिलने वाली है ये भी नहीं मिल पाएगी ये भी आजादी हमसे छिन जाएगी तो ऐसे में भारतीय नेता उस समय एग्री हो गए मुस्लिम लीग किस बात से भी कि ठीक है भाई तुम अपना नया बनाना चाहते हो बना लो लेकिन इन पहले अंग्रेजों से तो छुटकारा पाओ पहले इनको तो बाहर निकालो है ना हम लोग फिर बाद में आपस में भाई भाई मिलकर के काम करते रहेंगे तो वो लोग भी एग्री हो गए थे तो ऐसे में तीन जून उन्नीस को उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड माउंट इन्होंने विभाजन की योजना पेश की और इसको माउंट बेटन योजना कहा जाता है भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के इन्होंने एक योजना पेश की इस योजना को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही स्वीकार कर लिया इसको लेकर के अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं कई लोग यह भी बोलते हैं आरोपी लगाते हैं लेकिन उन थ्योरीज के ऊपर नहीं जाना है उस समय की सिचुएशन को देखना है कि उस समय की सिचुएशन क्या थी उस समय अगर इनकी ये मांग नहीं मांगती तो हो सकता है कि भारत आपस में ही लड़ झगड़ा रह जाता और ब्रिटेन फिर से कब्जे में रख कर लेता भारत को ठीक है कई लोग ये भी बोलते हैं कि सत्ता के लालच में सत्ता के लालच में कांग्रेस ने पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया ताकि इनको यहां पर सत्ता मिल पाए ठीक सत्ता का बंटवारा ना करना पड़े एक्सेट्रा लेकिन वो सब सुनी सुनाई सी बातें होती हैं आपको फैक्ट्स के ऊपर जाना है ठीक है जो फैक्ट जो बोलते हैं फैक्ट यही बोलते हैं दोनों ही पार्टियों ने इसको स्वीकार कर लिया ठीक है और उन्नीस का भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनकर के तैयार होता है उसको लागू कर दिया जाता है ये उस समय की एक ऐतिहासिक सी फोटो है जिसको आप सबको देखना चाहिए देख लीजिए आप सभी लोग ठीक है देख रहे हैं आप इस फोटो को आप इस फोटो में पहचान पा रहे हैं आप मान लेते हैं कि माउंट बेटन को नहीं पहचान पा रहे लेकिन दो चेहरों को तो आप जरूर पहचान पा रहे होंगे ठीक है एक इधर फोटो देखिए और एक इधर देखिए ठीक है और मेरी टीम से गुजारिश है जो भी लाइव क्लास के अंदर अगर दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है गलत तरीके से गलत तरीके की उसमें उलझा हुआ है तो तुरंत ब्लॉक कर दें तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दो आप लोग बस सक्रिय रहा करो ठीक है मेरी टीम मौजूद है यहां पर वो कर देगी फिर अनब्लॉक भी नहीं होगी तो आप इनका पहचान पा रहे हो तो फोटो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन किन किन को देख रहे हैं यहां पर कौन कौन है इनमें से कौन कौन जवाहरलाल नेहरू को पहचान रहे हैं पहचान रहे कि नहीं ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंट बेटन ये उस समय के भारत के विभाजन के को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने का जो था तो वो पीछे इनके नक्शा भी बना नक्शा भी है देखो तो भारत का वो पूरा नक्शा उस समय का संयुक्त भारत का नक्शा भी था तो वो विभाजन की जो थी उस विभाजन को यहां पर आ, फाइनलाइज करते हुए हस्ताक्षर करते हुए की फोटो है। अब इस अधिनियम से क्या हुआ? अंग्रेजों का राज समाप्त हुआ भारत और पाकिस्तान दो अलग नए देश बने ठीक है ये उस समय की खबर है। 15 अगस्त 1947, नई दिल्ली का फ्राइडे शुक्रवार का दिन हिंदुस्तान टाइम्स और उसके अंदर आप देखिए खबर आ है क्लियरली इंडिया इंडिपेंडेंट है ना ब्रिटिश रूल्स एंड्स भारत हुआ स्वतंत्र अंग्रेजों का शासन समाप्त यह बहुत ही ऐतिहासिक न्यूज और इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलेंगे और साथ में साइड में आपको वहां पर माउंटबेटन भी देखने को मिलेगा और कई सारी चीजें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स ओवर संविधान सभा ने आगे कार्यभार संभाल लिया संविधान सभा के बारे में हम अगले चैप्टर में सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसीलिए मैंने यहां पर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के ऊपर चर्चा नहीं की क्योंकि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन को हम संविधान सभा वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे तो यह उस समय का आजादी के टाइम के जो है हमारी न्यूज अब क्या डिफरेंस हुआ इस चीज को समझ लीजिए ये 1945 के के इंडिया का मैप था यानी संयुक्त भारत का मैप ये ब्रिटिश भारत कहलाता था अंग्रेजों जब शासन करते थे तो ये एक एरिया होता था 1945 के अंदर का दिया हुआ था ठीक है उन्नीस में जब पार्टीशन होता है उस पार्टीशन के अंदर आप देखोगे तो यहां पर ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान ये पूर्वी पाकिस्तान बनता है और यह सॉरी यह पश्चिमी पाकिस्तान मैं फिर से पूर्वी बोल रहा हूं यह पश्चिमी पाकिस्तान बनता है यह पश्चिमी पाकिस्तान बनता है और यह पूर्वी पाकिस्तान बनता है कौन सा ये वाला एरिया यह जो इधर आप देख रहे हैं इधर ठीक है पाकिस्तान का दो हिस्से में निर्माण होता है भारत का एक हिस्से में यह हिस्सा जो है वो कहलाता है भारत हिंदुस्तान भारत के जो दोनों तरफ जो दो हिस्से हैं ये कहलाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान इसी बंटवारे में ही पाकिस्तान का बंटवारा भी निश्चित हो गया था कि भविष्य में जाकर के ये दोनों भी एक नहीं रह पाएंगे ये दोनों भी अलग ही होंगे ठीक है तो इस तरीके से पार्टीशन हुआ दो नए देश अस्तित्व में आए ये पिक्चर देखिए ये पिक्चर इस टाइम इसलिए भी बता रहे हो क्योंकि जब पार्टीशन हुआ उस टाइम बड़ी गजब की अवस्था थी बड़ी बुरा बड़ा बुरा हाल था लोगों को समझ में नहीं आया कि, कि कौन सा हिंदुस्तान है कौन सा पाकिस्तान है

अस्तित्व आया दोनों आजाद हुए वायसराय की जो पोस्ट थी उसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का जो पद है वो बनाया गया ठीक है दोनों डोमिनियन को संभालने के लिए और उसके लिए ये नियुक्ति जो है वो नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी ठीक है यानी कि ब्रिटेन का खुद का कोई कंट्रोल नहीं था लेकिन नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट वो अभी भी ब्रिटेन का ताज ही करेगा जब तक की इनकी व्यवस्था स्ट्रक्चर ढंग से पूरे तरीके से नहीं आ जाए अब यहां पर एक उम्मीद की किरण या कहें कि चालबाजी चालाकी भरी चाल अंग्रेजों की वो देखिए अंग्रेजों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी जैसे ये खूबी वैसे इंडियंस की है, हम सब की है हम लास्ट टाइम तक भी उम्मीद नहीं छोड़ते उम्मीद लगाए रखते हैं यार कि नहीं अब तो ये होगा ही होगा जैसे इंडिया की क्रिकेट का मैच देखते हैं हम लोग इंडिया हार भी रही होती है आखिरी विकेट तक भी आ जाता है ना तब भी आकर के सोचते हैं यार कि नहीं अब तो जीत अब तो कुछ करिश्मा हो ही जाएगा जैसे कई बार मैं तो अपनी कहानी बताता हूँ जब हम मैं क्रिकेट देखता था उस टाइम इंडिया की बड़ी सॉलिड टीम हुआ करती थी सचिन वगैरह खेलते थे तो सचिन सहवाग आउट हो जाते तो भी उम्मीद रहती थी अरे नहीं अभी तो लक्ष्मण है द्रविड़ है वो बनाएंगे द्रविड़ लक्ष्मण सौरव गांगुली वो भी आउट हो जाते तो भी ये उम्मीद हो जाती थी कि लास्ट में धोनी आकर के मार जाएगा वो आउट हो जाता तो भी लगता था कि अरे अनिल कुंबले भी है जहीर खान भी है वही को यह बना देंगे उनके आउट होने के बाद भी लास्ट प्लेयर भी उम्मीद हो रहती थी कि यार ये आखिरी वाला प्लेयर है ना ये भी रन बनाएगा जिता देगा जीत जाएगी तो वो आशा नहीं छोड़ने वाली वो बात थी वो वैसे ही आशा नहीं छोड़ने वाली बात अंग्रेजों ने की इन्होंने क्या, -क्या? इसको समझिए पहली चीज तो कहा कि जो संविधान सभाएं हैं इनकी अपनी अपनी ये अपने देश का संविधान बनाए संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र एक अच्छी चीज है दूसरी चीज क्या इन्होंने कहा कि किसी भी देश का संविधान को अपना सकते हो इनको ये उम्मीद थी कि इतने सालों तक हमारे गुलाम रहे हमारी व्यवस्था अपनाई हुई है ढांचा उठा लेंगे हालांकि इनका सफल नहीं रहा भारत ने पूर्ण रिसर्च के साथ पूरे विश्व के बहुत सारे संविधानों का गहन अध्ययन करके अपना संविधान बनाया एज इट इज ब्रिटिशर्स का नहीं लिया और पाकिस्तान का तो एकदम अलग ही मामला चला गया अब अंग्रेजों ने चाला की भरी चाल इन्होंने कहा कि इन संविधान सभाओं को यह शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी यहां तक कि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था ठीक है हमने भी निरस्त किया आर्टिकल 395 से लास्ट में जाकर के लेकिन यहां पर इस एक्ट के माध्यम से वो ये कहना चाहते थे ये दिखाना चाहते थे इनको लगा कि यार हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया दंगे भी हो रखे थे तो उस टाइम इतना ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रखी थी तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रावधान से इनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये इनमें से कोई सा भी देश ब्रिटिशर्स के साथ आ जाए और उनको बोल दे कि नहीं भाई हम तो आपके साथ ही काम करेंगे हम आपके साथ ही आप ही शासन व्यवस्था संभालो या हो सकता है कि वो चीजें नहीं कर पाए तो हम दोबारा से कंट्रोल कर लें तो ये इस तरीके के प्रावधान उन्होंने दिए कि भाई कि ये ब्रिटिश कानून किसी भी कानून इवन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकते ये प्रावधान इनको दिए गए अब इसके साथ साथ इन्होंने संविधान सभाओं की पावर दी कि जब तक इनका संविधान लागू नहीं होता बनकर के रेडी नहीं होता तब तक वो अपने शासन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने डोमिनियन में वहां पर विधायी काम करते रहेंगे यानी कि विधानसभा बनकर के काम कर सकते रहेंगे तो ऐसे ही हुआ भारत की संविधान सभा ने भारत की संसद के रूप में अस्थायी संसद के रूप में भी काम किया क्या नहीं जो कानून बनाने के काम थे वो संसद संविधान सभा ने किया एक अस्थायी संसद के रूप में उस समय इसके अध्यक्ष भी अलग अलग होते थे संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तब अध्यक्ष अलग और जब संसद के रूप में बैठक होती थी तब अध्यक्ष अलग कौन कौन उनको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप अगर अभी जानते हैं तो इसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे करके बताएंगे कि कौन कौन थे ठीक है यह चीज ध्यान रखिए तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रावधान में यहां पर थी और एक प्रावधान जो है ना इन्होंने बहुत खतरनाक किया अंग्रेजों ने उनको इस चीज का बड़ा वो था मलाल था कि यार कि कैसे भारतीय लोगों ने उनको धक्के मार करके निकाल दिया कैसे इतनी बड़ी महाशक्ति को इस देश को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी तो वो ये जाते जाते भी भारत के ऊपर बहुत भयंकर चोट करके जाना चाहते थे एक चोट तो वो करी गई कि भारत पाकिस्तान का विभाजन करा गए थे तो इससे एक बहुत गंभीर आघात भारत को लगा दूसरा आघात भारत को वो ये गए कि जो उस समय भारत में देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों को ये कई सारे विकल्प दे गए उन्होंने ये नहीं कहा कि देसी रियासतें भारत का ही हिस्सा है या जो पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान का हिस्सा है यहां पर भी इनको उम्मीद थी कि और अंदर से इनके मामले को बिगाड़ दिया जाए आपस में लड़ाया जाए ताकि एक और फिर से हम कब्जा करने की कोशिश कर सके या कंट्रोल कर सके इन्होंने देसी रियासतों को तीन विकल्प दे दिए इन्होंने कहा कि भाई तुम चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ तुम चाहो तो भारत में मिल जाओ लेकिन अगर तुम दोनों में नहीं मिलना चाहते तो तुम चाहो तो स्वतंत्र रहो आजाद रहो क्योंकि इनको पता था इनकी प्रवृत्ति उस समय के जो राजा महाराजा वो थे वो किसी चुनी हुई सरकार के अधीन काम करेंगे भाई उनके अधीन तो उनको बिल्कुल लोकतांत्रिक रूप से काम करना पड़ेगा अपना राजपाट सब छोड़ना पड़ेगा अपनी जो साजो सम्मान शाही सब सब कुछ वो सब छोड़ना पड़ेगा तो अंग्रेजों को पता था वो रेडी नहीं होंगे और ऐसा हुआ भी प्रारंभ में बहुत सारे देशी रियासतों ने शामिल होने से मना किया वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के हमारे कुछ अधिकारियों ने प्रयास किए तो मैक्सिमम देसी रियासतें शामिल हो गई क्योंकि उनको इन्होंने डर भी दिखाया और इनको लालच भी दिया कैरेट एंड स्टिक वाला मेथड अपनाया समझाया कि भाई शामिल नहीं होगे तो वैसे भी जाओगे कहा रहोगे तो भारत के बीच में पकड़ करके तुरंत ले लेंगे फिर क्या करोगे तो चुपचाप गनीमत इसमें साइन कर दो विलय पत्र पर लेकिन तीन रियासतों ने बड़ी दिक्कत करी हैदराबाद जूनागढ़ और कश्मीर और इन तीनों रियासतों ने बहुत एक समय के लिए भारत का जी का जंजाल बन गए थे इनमें दो रियासतों के ऊपर तो मामलों को हमने ठीक ठाक तरीके से निपटा लिया एक जगह पर हमने जनमत संग्रह करवा लिया और एक जगह पर पुलिस कार्रवाई करके सैन्य कार्रवाई करके मामले को खत्म कर दिया लेकिन जो कश्मीर का मामला था वो आज तक चलता रहा है और उसके कारण आज तक दो देश जो पहले एक ही देश होता था एक ही हिस्सा होता था उसके से अलग हुए दो देश वो आपस में लड़ झगड़ रहे कट्टर दुश्मन बने हुए हैं और पाकिस्तान भारत को समाप्त करने के लिए हर तरीके की नाजायज कोशिशें करता है संभव असंभव हर तरीके की चीजें कानूनी गैर कानूनी हर तरीके से कोशिश करता है किस लिए कश्मीर को लेकर के और ब्रिटिशर्स का जो सपना था भारत को अंतिम चोट पहुंचा करके जाना वो अंतिम चोट जो है कश्मीर के माध्यम से भारत को लगी लेकिन वो एक मामला एक विवाद का मामला है वो अलग बात है लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत आजाद हुआ अंग्रेज लोग चले गए यहां से आप खुशी मना सकते हैं बधाई हो हम आजाद हो गए ठीक है अभी थोड़े दिन पहले ही भारत की आजादी का दिवस गया था स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस आप सबने मनाया भी होगा तो आप सब लोग जरा यहां पर भी एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग देंगे आजादी भारत के लिए एक आजाद होने की खुशी में भारत माता की जय बोलेंगे भारत माता की जय आंसर आना चाहिए वंदे मातरम जय हिंद जय भारत है ना ये ये ऐसे कुछ स्लोगन है जिनको सुनते एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं अंदर से ऐसे आता है कि यार कुछ है कुछ फीलिंग आती है ना आजाद होने की वो ये फीलिंग्स है ये सारी की सारी यहाँ पर तो अभी अभी आपने जो आजादी का जश्न मनाया उस आजादी के लिए पीछे इस तरीके के एक्ट थे इस तरीके की हमारे जो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी थे उनके संघर्ष थे है ना ठीक है इसी के साथ लाइक शेयर जरूर करते आइए लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए आप सबका भारत शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब जो है वो समाप्त इन्होंने कर दिया ये उस टाइम के पिक्चर्स देख लो कुछ जो राजा महाराज जो देशी रियासतों में होते थे एकदम अलग साजो सम्मान अलग किस्म का एकदम इनका रुतबा होता था तो देशी रियासतों वाली पिक्चर ठीक है जो भारत सचिव राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों की को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले प्राप्त थी ठीक है अब उसके बाद भारत और पाकिस्तान को समस्त शक्तियां स्थानांतरित कर दी गई 14 और 15 को उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो बने और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई उस टाइम अलग जो आप देखोगे तो जो कहा यह जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थोड़े से सीनियोरिटी में ज्यादा थे और उनका कद भी अच्छा खासा था कद का मतलब हाइट नहीं उनका प्रभाव और ये कहा जाता है कि ईमानदारी से देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनना था लेकिन इस समय महात्मा गांधी का हस्तक्षेप बहुत रहा महात्मा गांधी का यह विचार था कि भारत अभी नया नया आजाद हुआ है ऐसे में भारत को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो भारत को थोड़ा लंबा समय तक संभाल सके जो ज्यादा समय दे सके और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय तक थोड़े से एज में अधिक हो चुके थे और थोड़ी तबियत भी ठीक ठीक नहीं रहती थी नासाज रहती थी तो इसलिए महात्मा गांधी के इंटरफेरेंस के बाद उनके दखल करने के बाद उनके प्रभाव के कारण जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाया गया और ये आशंका जो महात्मा गांधी की थी वो सत्य भी सिद्ध हुई क्योंकि आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वो स्वर्ग से और जवाहरलाल नेहरू ने एक लंबे समय तक भारत की शासन की बागडोर अपनी हाथ में रखी अपनी मृत्यु तक उन्नीस तक उन्होंने संभाला और भारत को एक नया भारत एक आजाद भारत एक स्वतंत्र प्रगतिशील भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया तो ये यहां पर प्रावधान थे ये फोटो देख लीजिए बहुत ही हिस्टोरिकल फोटोज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फोटोज जवाहरलाल नेहरू संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलवाते हुए प्रधानमंत्री के रूप में उस समय की फोटोज आप ये देखोगे पहला भारत का आजाद भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ये देख लीजिए और ये खूबी आप देखिए इस मंत्रिमंडल के अंदर सभी जाति धर्म लिंग क्षेत्र भाषा सबका वो था मिला जुला स्वरूप कोई ऐसा भेद नहीं था सब एक साथ मिलकर गए इनका आप पिक्चर से आप हो सकते हैं क्योंकि धुंधली यार पुरानी इसी तरीके की पिक्चर मिली इंटरनेट पर ढंग से अच्छे से नहीं मिला तो नाम आप देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने ठीक है विदेश मामले अपने पास रखे तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण पूर्ण रूप से आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया तो इनको ही श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण राज्यों के मामले ये मामले इनको दिए गए देशी रियासतों का एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको खाद्य एवं कृषि दिया और बाद में जब भारत का संविधान बन करके लागू हो जाता है संविधान बन जाता है तो उस टाइम भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा दी जाती है जोन मथाई को रेलवे एवं परिवहन दिया जाता है इससे कई बार सवाल पूछ लिया जा सकता है आपसे कि स्वतंत्र भारत के अंदर पहले शिक्षा मंत्री कौन से थे जो छोटे वन लाइनर एग्जाम्स आते उसमें पूछ लिया जाता है कई बार गृह मंत्रालय किसके पास था पहले प्रधानमंत्री कौन थे पहले राष्ट्रपति कौन थे ठीक है आर के संगु, मुगम शेट्टी को वित्त दिया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को विधि दी गई नो दिए गए कानून के बड़े प्रख्यात विद्वान डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे इनसे ज्यादा नॉलेज उस टाइम कानून के संदर्भ में शायद ही किसी को रही हो तो इनको विधि का मामला इनको सौंपा गया ना जगजीवन राम को श्रम सरदार बलदेव सिंह को रक्षा और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य दिया गया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आजाद भारत के मंत्रिमंडल की पहली महिला सदस्य ध्यान से समझिए राजकुमारी अमृत कौर आजादी के तुरंत बाद से हमने महिलाओं को भागीदारी देना शुरू किया जो अंग्रेज लोग नहीं देते थे हालांकि अभी भी उनकी भागीदारी थोड़ी कम है लेकिन एक सकारात्मक संदेश एक सकारात्मक वो था कि आप देखो आप नाम सुन के अलग अलग धर्म जाति लिंग सब का देखने को मिलता है सी एच बाबा को वाणिज्य दिया गया रफी अहमद की दुबई को संचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति और नरहर विष्णु गार्डगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा ये सारे के सारे प्रावधान ये जो चीजें इनको दी गई ठीक है तो ये हमारे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसके बारे में कुछ कुछ जानकारियां थी और इसी के साथ आपका आजादी प्राप्त हुई भारत की आजादी तो मिली ही मिली साथ में आपको मुझसे भी आजादी प्राप्त हो गई है ना यानी कि क्लास का ये चैप्टर खत्म हुआ तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको केवल इंपोर्टेंट चीजें कराऊं इस बुक के अंदर अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ थे तो आपके नोट्स रेडी हो गए होंगे पूरा बहुत ज्यादा लेंदी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बस मेरे साथ बने रहिए क्लास लेते जाइए मैं आपको चीजों को यहां पर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा काम काम की चीजें जो हैं उन सबको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा जो एक्स्ट्रा चीजें जो काम के नहीं है उनको हम हटाते चले जाएंगे आपके नोट्स रेडी होते चले जाएंगे ठीक है इस चीज को ध्यान रखिए और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाउस द जोस का आंसर जरूर दीजिएगा हाउस द जोस जोश कैसे आंसर आना चाहिए हाई सर हाउस द जोस तो एकदम हाई जोश के साथ आंसर दीजिए और मेरे सारे प्यारे दोस्त आप लोग अगर कभी भी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कभी भी तो इस रेफरल कोड का यूज कीजिएगा एलवाई लाइव किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं कोड यही एलवाई लाइव आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा वन ऑन वन गाइड करूंगा कभी भी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक टीचर की गाइडेंस होती है मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं एडमिशन लेने से पहले बात जरूर कर लेना कहीं से भी कॉल आए आप पहले मेरे से बात कर लेना ठीक है उनको बोलना है कि भाई एल वाई लाइव कोड से ही लेंगे और वेट करना कई बार मेरे को कॉल बैक करने में टाइम लग जाता है एक से दो दिन लेकिन दो दिन के अंदर अंदर आपके पास रिटर्न बैक जरूर आएगा मैं आपको वापस कॉल करके सब्सक्रिप्शन के बारे में हेल्प जरूर करूंगा ठीक है पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी जो फ्री पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर वो यहां पर आपको अवेलेबल है इधर से ज्वाइन कर लीजिएगा अन ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल यहां पर सारे के सारे पी अवेलेबल हैं इस चैप्टर का पी जैसे ही क्लास खत्म होगी अभी अभी मैं डाल दूंगा आपसे जाने के बाद ठीक है तो आप में से मेरे प्यारे दोस्त जरा कमेंट बॉक्स में, में, में मेरा रेफरल कोड लिख करके बताएंगे रेफरल कोड क्या है मेरा कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्त सब लोग एक बार बताइए प्लीज आग्रह है क्या है मेरा रेफरल कोड मोगली चुटकी बिल्कुल ठीक है मोगली चुटकी मस्त है वो अपने खेल रहे हैं यहाँ पर बाहर आजकल उनका स्टूडियो में आना बंद कर दिया नहीं तो यहाँ पर नुकसान बहुत करते हैं थैंक यू यार जिन जिन ने भी एलवाई लाइव लिखा थैंक यू ठीक है थैंक यू बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में है आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप घबराना मत इस बुक का बाइलिंग पीडीएफ मैं दूंगा आपको लेकिन चैप्टर वाइज दूंगा जैसे चैप्टर चैप्टर खत्म खत्म होगा तभी डाल पाऊंगा होने से पहले नहीं डाल पाऊंगा कल आपका कल तो बेसिकली आज तो बारह बजे रात के टेक्निकली मतलब आज ही हो जाएगा सेकंड चैप्टर और करा दूंगा फिर उसके बाद 25 से लेकर 31 तक YouTube पर कोई क्लास नहीं होगी क्यों नहीं होगी मैं बताता हूं क्योंकि 25 से 31 पर

और जब भी कोर्स ज्वाइन करें आईकोनिक ज्वाइन करना दो साल का दो साल से कम का कोर्स काम का नहीं है दो या तीन साल का ही लेना उससे कम का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा जब भी ज्वाइन करें दो या तीन साल का ही लेना अभी ऑफर भी चल रहा है और इंडिया के सारे टॉप टीचर्स बेस्ट टीचर्स की टीम अन पर अवेलेबल है अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा पिछले बार इस बार के सिलेक्शन में तीन रिजल्ट अन से हुए हैं तो अगली बार हो सकता है आपका भी नाम उनमें से हो तो आप जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो कोड याद रखिएगा एलवाई लाइव हर एग्जाम की तैयारी यहां से होती है एलवाई लाइव कोड से आपको मिल जाएगा ठीक है बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ हर जगह से मिल जाएगा जहां से भी पीडीएफ लेकर मेरी टीम है अगर मेरी टीम इन सबको बच्चों को एक बार जरा प्रोवाइड कर दे पीडीएफ कहां से मिल सकता है उसका लिंक एक बार मैसेज में बता दो सब इनको ठीक कि कहां से पीडीएफ मिलेगा और कहां से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज कर दो टीम अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला के आगे ठीक है और हां अगर आप में से कोई भी लोग अगर चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में आसपास रहते हैं तो मैं 25 तारीख को चंडीगढ़ आ रहा हूं ट्वेंटी अगस्त को 3 पीएम पे चंडीगढ़ में मिलेंगे चंडीगढ़ में अनअकैडमी का नया स्टोर ओपन हुआ है तो आप लोग मेरे से फ्री में फेस टू फेस मिल सकते हैं फेस टू फेस मिलेंगे गाइडेंस ले सकते हैं बात कर सकते हैं 25 तारीख को जो लोग भी यहां पर आएंगे उन सबको 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री दिलाऊंगा किसी भी कोर्स का जो मर्जी कोर्स चाहे जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी करते हो 15 दिन का कोर्स मैं फ्री में दूंगा मेरी तरफ से जो भी पच्चीस तारीख को तीन बजे आकर के मेरे से मिलेगा ठीक है अनएकेडमी का स्टोर कौन सा स्टोर है कहां पर है वो टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में डाल दे रहा हूं ठीक है मेरी टीम से भी ले लेना टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा टीम से भी मिल जाएगा ठीक उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि चंडीगढ़ में कौन सी जगह पर अनअकेडमी का ऑफिस ओपन हुआ है अनएकेडमी के स्टोर पर आना है पंद्रह दिन का एक्सेस फ्री एक महीने के लिए लाइब्रेरी का एक्सेस फ्री जो अनअकेडमी का स्टोर है चंडीगढ़ वाला उसका एक महीने का एक्सेस फ्री में दिलवाऊंगा पंद्रह दिन का कोई भी सब्सक्रिप्शन जो मर्जी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो फ्री में दिलवाऊंगा ठीक है तीन तारीख पर जो भी मेरे पास वहां पर आएगा मिलेगा उन सबको और भी जितनी भी हेल्प होगी वो करवाएंगे कुछ नोट्स दिलवाने में भी हेल्प करेंगे ठीक है और भी जो बेनिफिट हो सकता है हर तरीके का बेनिफिट वहां पर करवाएंगे जो भी मिलना चाहते हैं आ सकते हैं पच्चीस तारीख चंडीगढ़ स्टोर अन अकेडमी का चंडीगढ़ का स्टोर ओपन हो रहा है उसके ऊपर वहां पर मैं तीन बजे पहुंचूंगा उधर आप आकर के मेरे से मिल सकते हैं डिटेल सारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगे ठीक है टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे कि कहां कहां पर होना है आप लोग कॉन्टेक्ट करके वहां से आ सकते हैं ठीक है तो लाइक शेयर करो यार हजार लाइक तो पहुंचा देते हजार लाइक तो आपको पहुंचा देने थे आप लोगों ने अभी तक भी हजार लाइक नहीं पहुंचा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। रात में देख ली बारह बारह बजे भी आकर के तो और थोड़ा डिटेल से अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आप सभी के लिए ही है कि आप लोग चलो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें ठीक है तो आप सबका बहुत सारा शुक्रिया मैं और वैसे आप सबका तहे दिल से शुक्रिया हमेशा मैं करता भी रहूंगा क्योंकि आप ही लोग हैं आप ही लोगों से हम बने हैं आप लोग अगर नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ मैं जहाँ पर भी हूँ आज जिधर भी पहुंचाऊँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से हूं आप सब ने इतना सपोर्ट किया इतना प्यार दिया आपको हमारी क्लासेज इतनी अच्छी लगी आपको उस फिर उसके बाद मैं, आपका प्यार मिलने से फिर मैंने भी आपको और अच्छे से कोशिश की हेल्प करने की क्लासेस को बहुत डिटेल से पढ़ाने की और सारे नोट्स सारे पीडीएफ मैंने फ्री में डाले हुए हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं ठीक है तो वो भी किया तो आप सब हैं तो मैं हूँ तो आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको लाइक शेयर करते चले जाइए एलवाई लाइव कोड याद रखिएगा कल मिलते हैं सेकेंड चैप्टर की क्लास में तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ तो से शुभकामनाएं आप सबको जय हिंद जय भारत लेट्स क्रैकेट